करो। चलो स्टेटमेंट है, इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस, इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस, इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, अगर फंक्शन एफ किसी दिए गए क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कॉन्टिन्यूअस हो, देन गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देन गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, हाउ एवर स्मॉल द इंटरवल कॉमा करके, द इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी कैन बी डिवाइडेड इंटू अ फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स इन ईच ऑफ विच the oscillation of f is less than epsilon, that is अर्थात यानी पूरी थ्योरम का अब यहां पर एक मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिख रहे हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एफ ऑफ एक्स वन एंड एफ ऑफ एक्स टू इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एनी टू पॉइंट्स एक्स वन एंड एक्स टू इन द सेम सब इंटरवल। पहले तुम ये पूरा स्टेटमेंट लिख लो, फिर हम इसको समझाएं। और सारे लोग कंसंट्रेट रहना, जिससे बस लिखाते चले इसको, दो बार तीन बार में समझाना है, थ्योरम लंबी है, हो जाए 10 बजे तक कंप्लीट हो जाए बस। रियल पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे, पहले मेरे को ईमानदारी से दोहरा रहे हो कि नहीं दोहरा रहे, नहीं दोहरा रहे हो जान लो जितना बड़ा रियल वो पेपर है ना, कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक, इसी में तुम देख लो ना, कंटिन्यूटी के नाम पे खुला हुआ है, और अभी वन वेरिएबल में मोर अबाउट कंटिन्यूटी जो पढ़ रहे हो, थ्योरम पे थ्योरम आती चली जा रही है। टू वेरिएबल और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी अभी वो पढ़ा, इसके बाद फिर मैक्सिमम मिनिमम ऑफ टू वेरिएबल, फिर टेलर्स का एक्सपेंशन टू वेरिएबल, अभी वो भी आ गया। फिर तुमको दो सबसे बड़ी यूनिट जो आखिरी में टकराएगी, सबसे बड़ी मैट्रिक स्पेस और रीमान इंटीग्रल, फिर ये दोनों अलग से, पहले हम इसको कंटिन्यूटी निपटा दे रहे हैं, इसके बाद क्योंकि इसी की जरूरत हमको रीमान में पड़ेगी कहीं ना कहीं, तो रीमान में कई फंक्शन आएंगे वहां पर इनका जिक्र होगा, सब दिक्कत हो जाएगी, इसलिए दोहराते चलो, हम पूछ नहीं पा रहे हैं, जिस दिन पूछेंगे अचानक से पूछेंगे, पर तुम जाने रहना याद किए क्योंकि उधर हम जितना पढ़ा रहे वो नहीं पढ़ा रहे, तो हम सेमेस्टर वाले को छोड़ दिया है बिल्कुल, वो अनाथ है पूरी तरह, लावारिस पढ़े रहे मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पढ़ भी नहीं कर रहे हो तुम, ये अगली वाले में तुम पढ़ते रहो, शुरुआत करते हैं। सुनो कहा क्या रहा है, कह रहे अगर आपका फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस बना हुआ है, तो किसी भी दिए गए एप्सिलॉन के लिए चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, आप क्लोज्ड इंटरवल ए बी को फाइनाइट टुकड़े में ब्रेक कर सकते हो, कैसे कि हर एक टुकड़े के अंदर में जब फंक्शन के ऑक्सिलेशन को निकाला जाएगा तो फंक्शन का ऑक्सिलेशन इस चुने गई क्वांटिटी एप्सिलॉन से कम रहेगा हमेशा। अब ऑक्सिलेशन क्या होता है वो सुन लेना, ऑक्सिलेशन का मतलब, फंक्शन के ऑक्सिलेशन का मतलब है भाई फंक्शन का दोलन, दोलन क्या, झूला जब ऑक्सिलेट करता है तो क्या करता है, अपनी मिनिमम वैल्यू से टॉप वैल्यू तक ही तो जाता है, तो किसी इंटरवल में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और फंक्शन की टॉप वैल्यू के बीच में जो अंतर होता है ना, वही आपके फंक्शन का ऑक्सिलेशन कहलाता है।
एक फंक्शन एक इंटरवल में अपनी वैल्यू को बढ़ाएगा घटाएगा, तो फंक्शन जब अपनी वैल्यू इंटरवल में ले रहा है तो जो मिनिमम वैल्यू है वो चुन लो और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो चुन लो, दोनों का अंतर निकाल लो, वही आपके फंक्शन का क्या कहलाता है, ऑसिलेशन कहलाता है, कि आपका फंक्शन इतने में ही वो डोल सकता है, इसके अलावा कुछ ही डोल से आप दोलन बना लेंगे, इतने में ऑसिलेट करेगा, इसके अलावा ऑसिलेट नहीं होगा। आई बात है समझ में? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो इंटरवल है एक से लेकर के तीन तक, और इस एक से लेकर के तीन तक में ये फंक्शन ऐसे चला, फंक्शन इस तरह से चला। अब तुम ये सोचो फंक्शन की अगर इस इंटरवल में वैल्यू देखें तो मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, ये सामने ये वैल्यू कैसी होगी मिनिमम, और टॉप वैल्यू कैसी होगी यहाँ पर, ये आपकी टॉप, इनके बीच का जो ये डिफरेंस आएगा ना, इसी को कहते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ द फंक्शन इन द क्लोज इंटरवल 1 to 3। अब किसी भी सब इंटरवल की अगर बात करें, जैसे हमने इसको ब्रेक कर दिया यहाँ 2 पर ब्रेक कर दिया, सो गो थ्रू 1 to 2 में आने वाला ऑब्जर्वेशन और 2 to 3 में आने वाला ऑब्जर्वेशन सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब 1 to 2 में ना आप केवल और केवल कितना ग्राफ कंसीडर करोगे, बस इतना, इसके अलावा नहीं। तो सोचो 1 पर मिनिमम वैल्यू 1 पर क्या होगी, 1 पर मिनिमम वैल्यू ये आएगी, और टॉप वैल्यू कहां पर है, ये मौजूद है, ये 2 पर नहीं है, पहले ही मौजूद है ये टॉप, ये जो डिफरेंस आएगा ना निकल करके, इसको बोलेंगे ऑब्जर्वेशन ऑफ द फंक्शन इन द सब इंटरवल 1 to 2। क्लियर है? और जब हम 2 से 3 में जाएंगे तब का हाल देखो, 2 से 3 में ना मिनिमम कहां पर मिलेगा, ये या ये मिनिमम, और सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, 2 से 3 में मिनिमम वैल्यू यहां इससे सामने आ रही है, ये आपकी मिनिमम है, और टॉप वैल्यू कौन सी आएगी, ये। तो 2 से 3 में ऑब्जर्वेशन ये होगा, 1 से 2 में ऑब्जर्वेशन ये होगा। आप और छोटा इंटरवल ब्रेक करो 1.5, अब इसका इंटरवल, इसका जो ऑब्जर्वेशन होगा वो अलग होगा, इसका इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ये रही जो कि इस पर मिल रही है, और टॉप वैल्यू कहां गई, इसमें इसमें टॉप वैल्यू देखना, इसमें टॉप वैल्यू यहां टॉप। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एक फंक्शन जिस इंटरवल में बना हुआ है उस इंटरवल को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर दो, हर टुकड़े के अंदर में फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो उस दिए गए सब इंटरवल में आपके फंक्शन का ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। समझ में आ रही की बात है? चले हम आगे, अपने को यही दिखाना है कि अगर मेरा फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस है तो हम अपने क्लोज्ड इंटरवल ए बी को ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में काट सकते हैं कि हम ऑब्जर्वेशन किसी भी सब इंटरवल में फंक्शन का जो ऑब्जर्वेशन है उसको जितना चाहे उतना छोटा बना सकते हैं, यानी किसी चुनी गई एप्सिलॉन से भी उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्लियर हुआ? यही मेरे को प्रूफ करना है। नीचे मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, द डिफरेंस बिटवीन एफ ऑफ एक्स वन एंड एफ ऑफ एक्स टू, ठीक, जहां x1 x2 कौन है, एक ही सब इंटरवल के अंदर के दो पॉइंट। सोचो ऑब्जर्वेशन कहां निकाला जाता है, एक ही सब इंटरवल पर निकाला जाता है, यानी एक ही सब इंटरवल के अंदर में आप मिनिमा लेते हो और उसी में आप क्या लेते हो, मैक्सिमा, बाहर से मैक्सिमा लेकर के नहीं आते, तो इसका मतलब मैक्सिमा और मिनिमा उसी सब इंटरवल के दो पॉइंट पर लिए जाते हैं। तो x1 x2 एक ही सब इंटरवल के दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट पर फंक्शन के वैल्यू का डिफरेंस आप जितना छोटा चाहो उतना छोटा कर सकते हो। क्लियर है ये बात? चल दूसरा मिटाया जाए पूरा, प्रूफ कैसे होगा, तो सुना प्रूफ कैसे होगा, हम मान लेंगे ये स्टेटमेंट गलत है, मैंने मान लिया ये स्टेटमेंट गलत है कि ऐसा नहीं होता है, फंक्शन का ऑब्जर्वेशन हम जितना चाहे उतना छोटा नहीं बना सकते हैं। तो जब ये गलत मान करके चलेंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चलते चलते हमको क्या मिल जाए, कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन मिल जाए तो मेरा मानना गलत है और धर्म का स्टेटमेंट सही है, यही इतना काम मेरे को करना है। पता है ये बहुत भारी भरकम चीज नहीं है ना, ये ग्राफ तुम किसी फेमस फंक्शन का भी ग्राफ बना दो तब पर भी चलेगा, फेमस फंक्शन का ग्राफ देखो, मगर साइन का ग्राफ बनाते हैं, साइन का ये हो, इंटरवल मैंने चुन लिया 0 से लेकर के कहां तक, पाई तक का, तो 0 से पाई तक का अगर मैंने इंटरवल चुना हुआ है तो 0 से पाई तक में मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0, और टॉप वैल्यू कितनी है, 1। तो अगर हम ऑब्जर्वेशन निकालें तो ऑब्जर्वेशन ऑफ फंक्शन एफ किस पर, इंटरवल 0 से लेकर के पाई पर, तो ये कितना आएगा, 1, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 0 और टॉप वैल्यू 1, दोनों का अंतर कितना, अंतर की बात कर रहा हूं, ठीक। उसके बाद फिर अगला, अब हम ब्रेक कर देते हैं, तो 0 से पाई बाई 2, अब पाई बाई 2 से पाई, अब अपना अगर इतने हिस्से में ऑब्जर्वेशन निकाले तो मिनिमम वैल्यू 0, टॉप वैल्यू 1, तो 0 से 1 का डिफरेंस 1, यानी इधर अगर इस इंटरवल में बात करें तो इधर ऑब्जर्वेशन मेरा कितना आएगा 1, और इधर मेरा ऑब्जर्वेशन कितना आएगा, बराबर बराबर, लेकिन अब की बात
पाई बाई फोर से पाई बाई टू इंटरवल ब्रेक किया, तो इसका मतलब ए ये, अब देखो मेरे पास एक इंटरवल जीरो से पाई के तीन सब इंटरवल है, पहला सब इंटरवल जीरो से पाई बाई फोर, दूसरा सब इंटरवल पाई बाई फोर से लेकर के कहां तक पाई तक पाई पाई बाई टू, फिर तीसरा सब इंटरवल कहां से पाई बाई टू से लेकर के कहां तक पाई तक। बोलो अगर हम इसमें ऑब्जर्वेशन निकाले तो इसमें मिनिमम वैल्यू देखना, जीरो से पाई बाई फोर में मिनिमम कितना जीरो चढ़ा, ठीक, और टॉप वैल्यू कितनी चढ़ेगा वन बाई रूट टू, तो जीरो और वन बाई रूट टू का अंतर कितना वन बाई रूट टू, यानी इसमें ऑब्जर्वेशन होगा वन अपॉन अंडर रूट, क्लियर है सबको। इसमें देखना साइन का ग्राफ जीरो से पाई बाई टू तक की वैल्यू पर इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, हाँ या ना, तो मिनिमम वैल्यू कहां मिलेगी पाई बाई फोर पर, और टॉप कहां मिलेगी पाई बाई टू पर, तो मिनिमम कितनी हो गई वन बाई रूट टू, और टॉप कितनी हो गई वन, इन दोनों का डिफरेंस वन माइनस वन अपॉन अंडर रूट, ये आपका ऑब्जर्वेशन, क्लियर है। इसके बाद फिर आओ कितने पर पाई बाई टू से पाई तक, तो फिर आपको पता है टॉप वैल्यू वन मिनिमम कितनी जीरो, दोनों का डिफरेंस वन, तो इधर ऑब्जर्वेशन वन, इधर ऑब्जर्वेशन वन माइनस वन बाई रूट टू, और इधर ऑब्जर्वेशन कितना वन, जितना छोटा चाहो उतना छोटा कर सकते भी नहीं, हम चाहते अभी देखो अभी ऑब्जर्वेशन कितना दिखता है पहले भी वन बाई रूट टू, हम चाहते हैं वन बाई रूट टू से भी कम हो जाए, तो वन बाई रूट टू से भी कम हो जाए तो इसका मतलब हम इंटरवल ब्रेक कर देते हैं पाई बाई सिक्स पर, 30 डिग्री पर तोड़ दिया मैंने, 30 डिग्री पर किया तो 60 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई 2, सॉरी 30 की वैल्यू साइन 30 1 बाई 2, ये 1 बाई 2 तो इनका अंतर कितना है इनका 1 बाई 2 है। आप चाहो और ब्रेक कर सकते हो, जितना छोटा चाहो उतना छोटा कर दो, ऑब्जर्वेशन और कम होता चला जाएगा, तो नहीं बस यही मेरे को प्रूफ करना है कि अगर एक इंटरवल में मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हम उस इंटरवल को इतने फाइनाइट छोटे छोटे टुकड़े में जब चाहे तब काट सकते हैं कि हम किसी फंक्शन का जो ऑब्जर्वेशन है उसको चाहे तो जितना छोटा चाहे उतना छोटा ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं, वी कैन क्रिएट ऑब्जर्वेशन एज मच एज स्मॉल, जितना चाहो उतना छोटा आप बना सकते हैं, यही साबित करना है। लेकिन ये तभी होगा ना जब आपका फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस हुआ तो ये बात पॉसिबल नहीं, चले प्रूफ किया जाए। सबसे पहले ना ऑब्जर्वेशन ऑफ एफ की डेफिनेशन है, बाद में उसको घेरा मार लिया, एक्चुअली ऑब्जर्वेशन ऑफ एफ मिलता कहां पे, वो मिलता रीमा है, लेकिन ये पहले इसका यूज कर लिया तो हम उसकी डेफिनेशन यही पर लिखते हैं, वहां फिर से हेडिंग डाल देना प्रूफ में ही, हेडिंग प्रूफ बाद में शुरुआत में, पहले एक हेडिंग डाल के घेरे में बंद कर देंगे, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन ऑफ फंक्शन एफ, ऑब्जर्वेशन ऑफ फंक्शन एफ, इसमें लिखना इट इज डिफरेंस बिटवीन सुप्रीमम ऑफ फंक्शन एफ एंड इनफीमम ऑफ फंक्शन एफ इन एन इंटरवल, इन एन इंटरवल, इन एन इंटरवल लिख करके घेरा मारना, किसी दिए गए इंटरवल में सुप्रीमा और इनफीमा के बीच का जो डिफरेंस होता है वो ऑब्जर्वेशन ऑफ फंक्शन कहलाता है। अब थ्योरम के प्रूफ की शुरुआत करते संडे को पढ़े नहीं थे, संडे अगर हम अपना पढ़ाया हुआ मान लें तो चार दिन बाद क्या
और संडे तुम आ जाती कुछ ना आई थी सर आई थी फिजिक्स पढ़ने की आई थी फिजिक्स पढ़ने आई थी मैं भी पढ़ाई नहीं कर मानेंगे नहीं अब क्यों मानेंगे हम अपवाद नहीं बताते हम मान तो सकते हैं ना ले सर शुरुआत करें ट्रूथ प्रूफ में लिखना लेट अस अज्यूम दैट थ्योरम इज फॉल्स let us assume that theorem is false हम ये मान लेते हैं कि माना ये थ्योरम गलत है थ्योरम इज फॉल्स अच्छा अगर थ्योरम फॉल्स है ठीक क्लोज इंटरवल ए बी पर गलत मान रहे थ्योरम को थ्योरम इज फॉल्स ऑन क्लोज इंटरवल ए बी ऐसे क्लोज इंटरवल जिस क्लोज इंटरवल ए बी में आपने अपने फंक्शन को कंटीन्यूअस कहा है उसी क्लोज इंटरवल में आपको यह दिखाना है कि आप जितना चाहो उतना फंक्शन के ऑब्जर्वेशन को हर एक सब इंटरवल में एप्सिलॉन से कम बना सकते हो ये कह रहे हैं हम कह रहे हैं माना फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कंटीन्यूअस तो है लेकिन आप ऑब्जर्वेशन को जितना चाहो उतना छोटा नहीं बना सकते हो तो इसका मतलब है कि अगर वो क्लोज इंटरवल ए बी पर थ्योरम फेल है तो उसके या तो सारे सब इंटरवल में थ्योरम फेल हो गई होगी या तो कम से कम एक सब इंटरवल में थ्योरम फेल हुई होगी हाँ या ना एक थ्योरम जिसे आप क्लोज इंटरवल ए बी पर पास कराना चाहते हो तो पूरे इंटरवल पर पास कराना चाहते हो आप ये मान रहे हो माना इस इंटरवल पर थ्योरम फेल कर गई और अगर थ्योरम फेल कर गई तो इसका मतलब है इस इंटरवल के किसी पॉइंट पर फेल की होगी हाँ या ना तो जब इंटरवल को ब्रेक किया जाएगा तो वो पॉइंट दो में से किसी एक तरफ जाकर के बैठ जाएगा और या तो दोनों में भी बैठ जाएगा सहमत हो कि नहीं दोनों में भी बैठ सकता है यहीं पर पॉइंट बैठा तो एक क्लोज इंटरवल ये एक क्लोज इंटरवल तो इसका मतलब या तो थ्योरम दोनों ही सब इंटरवल में फेल की होगी और या तो कम से कम एक सब इंटरवल में फेल की होगी क्लियर है ये बात लिखना इस बात और एक काम करो इस इंटरवल को हम थोड़ी देर के लिए आई मान लेते हैं इंटरवल आई तो मेरे को ना ब्रेक करने में आसानी होगी वहां नहीं लिखना अलग से लिखना लिखना ब्रेक तोड़ दीजिए बी आर ई ए के ब्रेक आई इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी आप इस क्लोज इंटरवल ए बी को जिसमें कि थ्योरम फेल कर गई है उसे आप ब्रेक कर दीजिए किस पॉइंट पर ब्रेक करना है एट पॉइंट सी जो कि मिड पॉइंट है इस इंटरवल का ब्रेक दिस इंटरवल एट सी और सी के बारे में लिख देना दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन आप अपने इंटरवल के मिड पॉइंट पर अपने इंटरवल को ब्रेक कर दीजिए और जब तुम इसको ब्रेक करोगे तो तुमको दो सब इंटरवल मिलेंगे कॉमा करके लिखना बी गेट क्लोज इंटरवल ए से लेकर के सी तक एंड क्लोज इंटरवल सी से लेकर के कहां तक बी तक समझना ये मेरा क्लोज इंटरवल है ए से लेकर के कहां तक बी तक और हम कह रहे हैं इसमें ये थ्योरम फेल कर गई तो हमने किया क्या हमने पॉइंट सी पर इस इंटरवल को ब्रेक कर दिया आधे यानी ये पॉइंट अगर कोई इसके पहले पॉइंट कौन है तो यह है बी प्लस ए डिवाइडेड बाई कितना क्लियर हुआ कि नहीं तो मेरे पास एक सब इंटरवल बन गया ए से लेकर के सी तक और दूसरा बन गया सी से लेकर के बी तक अब या तो थ्योरम अगर सी पर फेल हुई होगी तो दोनों ही सब इंटरवल में फेल है और अगर सी पर फेल नहीं हुई होगी तो इसका मतलब दो में से कम किसी एक सब इंटरवल में फेल हुई होगी क्लियर है ये बातें अगर इसको हम कहें पहले वाले को हम इसको कह दें आई वन और दूसरे वाले को क्या कह दें आई टू तो इसका मतलब बी ब्रेक आई इनटू द टू सब इंटरवल आई वन एंड आई टू ब्रेक कर दिया जिसमें से आई वन की लेंथ कोई मुझको बताएगा आई वन की लेंथ कितना सी माइनस आई वन की लेंथ बी माइनस ए बाई टू सी तो मैंने अपनी मर्जी से लिया ना कहां लिया भगवान मालिक है तो टोटल लेंथ अगर आई वन की बोलोगे ना तो आधे पर से ब्रेक किया है तो पूरी की लेंथ है बी माइनस ए तो ये लेंथ हुई बी माइनस ए बाई टू और ये भी कितनी हुई बी माइनस ए बाई टू मतलब मैंने बराबर बराबर को बात किया ठीक अगली बात सुना जब तुमने दोनों पर ब्रेक कर दिया तो मान लिया फिर ये किसी में फेल हो गया आपकी जिसमें फेल हुआ उसको हम आई वन मान लेते हैं मान लिया ये आई वन में फेल किया अगर ये आई वन में फेल किया तो इसका मतलब फिर किसी पॉइंट पर फेल की होगी थ्योरम हम उसी पॉइंट पर फिर इसको ब्रेक करते हैं उस पॉइंट पर नहीं हम इसको फिर मिड पॉइंट पर ब्रेक कर देते हैं और हम एक काम करते हैं चालाकी सीखते हैं आई वन है तो इस पॉइंट को नया नाम दे देते हैं ए वन मतलब अब ए जाना जाएगा किस नाम से ए वन के नाम से और सी जाना जाएगा किस नाम से बी वन के नाम से हाँ या ना तो फिर इसको यहां से ब्रेक कर
ब्रेक कर दोगे तो आपकी ब्रेक किया किस पर, C1 पर ब्रेक कर दिया, तो फिर मेरे को एक इंटरवल बन गया A1 से लेकर के कहां तक, C1 तक, और एक बन गया C1 से लेकर के कहां तक, B1 तक। अब फिर इन्हीं दोनों में से किसी एक पर फेल किया होगा या तो दोनों पर फेल किया होगा, फिर उसको ब्रेक कर देंगे। हम आधे 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 पर ब्रेक करते चले जा रहे हैं, सोचो हर बार हम आधे पर ब्रेक करें, जब पहली बार ब्रेक किया तो लेंथ आई B-A/2, दोबारा फिर आधे पर ब्रेक किया तो इसका आधा हो गया, फिर इसके आधे पर ब्रेक किया तो इसका आधा हो गया, यानी जब पहली बार ब्रेक किया तो लेंथ है B-A/2, जब दूसरी बार ब्रेक किया तो B-A/2, तीसरी बार ब्रेक किया तो B-A/2, तो जब nth टाइम्स ब्रेक करेंगे तो B-A/2, हाँ या ना, और हर बार लेंथ छोटी होती जा रही, यानी as n approaches to the infinity, length approaches to the zero, समझ में आ रही है ये बात, यही सारी कहानी हम लिखने जा रहे हैं, क्लियर हुआ? जिनको नहीं क्लियर हो आप साथों साथ समझेंगे, ठीक है, एक बार रफली आइडिया दे दिए, अब यहाँ धीमे धीमे चल रहे हैं। बी गेट क्लोज इंटरवल ए सी एंड सी बी, सिंस चूंकि थ्योरम थ्योरम इज फॉल्स या थ्योरम इज फेल, सिंस थ्योरम इज फेल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, चूंकि आपने ये माना कि ये थ्योरम क्लोज इंटरवल ए बी पर फेल करती है, इसका मतलब ये जो दोनों टुकड़े टूट करके आए हैं सब इंटरवल, इनमें से कम किसी एक पर फेल की होगी, लिखना दिस इंप्लाइज दैट इट मस्ट बी फेल ऑन एटलीस्ट, कम से कम ऑन एटलीस्ट वन सब इंटरवल, इट मस्ट बी फेल ऑन वन सब इंटरवल, ये कम से कम किसी एक सब इंटरवल पर फेल की, जिस सब इंटरवल पर फेल की है मुझको नहीं पता है वो सब इंटरवल एसी है या सीबी है, लेकिन जो भी होगा उसको हम अपनी मर्जी से आई वन मान लेंगे, क्लियर हुआ? अगर वो ये होगा तो इसको आई वन कहेंगे, ये होगा तो इसको आई वन कहेंगे, लिखना लेट अस डिनोट, माना हम इसको निरूपित करते हैं, let us denote that sub interval by I1, this is equal to closed interval A1 B1, और जिस सब इंटरवल पर ये फेल की है उस सब इंटरवल को I1 से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया I1 is equal to A1 B1, क्लोज इंटरवल, ठीक, और लेंथ की बात कर लेते हैं, क्लियरली लेंथ को दो तरीके से लिखा जाता है, चाहे तो तुम लिख दो L of I1, चाहे तो लिखो, ठीक है, और चाहे इसको लिख दिया जाता है mod of I1, वैसे mod नहीं पढ़ा जाता, लेंथ ऑफ इंटरवल I1 पढ़ा जाता है, कुछ और नहीं होगा, ये होगा दिस इज इक्वल टू B-A, पुराना वाला इंटरवल की लेंथ और उसका डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि आपने पुराने वाले ही इंटरवल को आधे पर ब्रेक किया है, तो इसकी लेंथ हो गई B-A/2। बाद में याद रहना इसलिए लिख देना इट इज लेंथ ऑफ आई वन, ये आपके इंटरवल आई वन की लेंथ, अब चूंकि इस पर फेल किया है तो जिस पर फेल किया पहले किस पर फेल किया, क्लोज इंटरवल ए बी पर, तो मैंने ए बी को आधे पर से ब्रेक कर दिया, अब हम मान रहे हैं कि ए बी के जो दोनों टुकड़े आए उसमें से जो आई वन वाला इंटरवल था इस पर फेल किया, तो हम आई वन को फिर आधे पर क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, फिर लिखना अगेन डिवाइड आई वन इंटू क्लोज इंटरवल ए वन से लेकर के सी वन एंड क्लोज इंटरवल सी वन से लेकर के बी वन, ये आ तो रहा है ना किनारे, ठीक, सी वन के बारे में फिर हम बात कर लेते हैं, वेयर जहां पर C1 is nothing, it is A1 plus B1 divided by 2, यानी इंटरवल A1 B1 का मिड पॉइंट है, अच्छा, चूंकि थ्योरम क्लोज इंटरवल A1 B1 पर फेल हुई है, तो जब आपने इसके दो टुकड़े किए तो दोनों टुकड़े में से कम एक टुकड़े पर फिर फेल की होगी, पास तो हो नहीं सकती, एक टुकड़े पर फिर की होगी, लिखना उसी बात को, द थ्योरम मस्ट बी फेल
on at least one of these, the theorem must be failed. Must be failed on at least the theorem must be failed on at least one of these sub intervals. थ्योरम इनमें से किसी एक सब इंटरवल पर फेल की होगी. अब जिस पर फेल की उसको क्या मान लो, I2 मान लो. अब तक I1 माना, अब जिस पर फेल की उसको I2 मान लो. फुल स्टॉप की बात होता है. फुल स्टॉप की बात. लेट अस डिनोट दैट, माना हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट दैट बाई I2 इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल A2 B2. A to B, closed interval A to B. सुनो, पहले क्या था? पहले ओरिजिनल लेंथ थी B माइनस A, उसको आधा कर दिया, तो B माइनस A by 2 हुआ. अब ये जो B माइनस A by 2 वाली लेंथ है, इसको फिर आधा कर दिया, तो B माइनस A by 2 का आधा, यानी B माइनस A upon 2 की पावर 2, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब ये वाली लेंथ लिखना है. And length of I2 is equal to half of previous length b minus a by 2, that is equal to b minus a upon 2 की पावर. अच्छा, फिर आपने दो पर ब्रेक किया, अब की जिस पर फेल किया उसको क्या मानेंगे, I2. तो I2 में फेल किया, फिर I2 को ब्रेक करेंगे, और जिस पर फेल करेगा उसको क्या मानेंगे, I3. फिर जिस पर फेल करेगा उसको I4. ये प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए, प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा. क्लियर है? तो आप बार बार लिखने के बजाय सीधे लिखें कंटिन्यू दिस प्रोसेस इनडेफिनेटली टाइम. हम इस प्रोसेस को लगातार अनिश्चित समय तक के लिए ऐसे ही चलाते रहेंगे. देखते हैं, अभी पता चलेगा सब लोग में रियल पढ़ते हैं, अभी पता चलेगा थोड़ी देर बाद. तुम लोग सोच रहे हो ऐसी कौन सी घटना घटित होने वाली है ब्रह्मांड में, तगड़ी वाली घटना घटित होगी ना. और अभी तुम लोग जेल से कहां तक पहुंचे हैं, लिमिट पॉइंट कौन सा, लिमिट पॉइंट बढ़ा रहे, लिमिट पॉइंट बढ़ा रहे, वगैरह बात हो गई, अभी नहीं वही पढ़ाई. तो तुम लोग बचे, तब तुम लोग ब्रह्मांड की दुनिया से अभी बात हो ना, ये लोग फंसेंगे पक्का. कंटिन्यू दिस प्रोसेस, continue this process, continue this process. इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते हैं indefinitely. Continue this process indefinitely. We get a sequence of closed interval, of closed intervals. इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने पर मुझको क्लोज इंटरवल का पूरा एक सीक्वेंस मिल जाता है. कौन सा सीक्वेंस मिलेगा? पहले आपने I1 बनाया, I1 कौन है, क्लोज इंटरवल A1 B1. फिर आपने I2 बनाया, वो कौन है, क्लोज इंटरवल A2 B2. इस तरीके से चलते चलते फिर बना AN BN. अब प्रोसेस तो रुकेगा नहीं, तो अब तुम क्लोज इंटरवल का पूरा एक सीक्वेंस मिल गया. ठीक है, दैट इज, अर्थात सीक्वेंस क्या मिला, सीक्वेंस मिला IN. सीक्वेंस मिला आई एन, जिसमें एनवा टर्म लिख रहे हैं, जैसे हम सीक्वेंस में ना एनथ टर्म लिख देते हैं आई के एन, तो अब हम इंटरवल का सीक्वेंस पा रहे हैं. तो इसका मतलब अब मेरे सीक्वेंस में हर टर्म एक नंबर नहीं बल्कि कौन है, इंटरवल. तो एनथ टर्म कौन होगा, ए एन एन, ये मेरे सीक्वेंस का एनथ टर्म. क्लियर हुआ कि नहीं? सीक्वेंस का हर टर्म एक क्लोज इंटरवल होगा. पहला टर्म क्लोज इंटरवल, सुनो सीक्वेंस क्या मिला, सीक्वेंस ये मिला, पहला टर्म आई वन, I1 का मतलब A1 B1, दूसरा टर्म I2 मतलब क्लोज इंटरवल A2 B2, तीसरा टर्म I3 यानी क्लोज इंटरवल A3 B3. सिर्फ नंबर का ही सीक्वेंस नहीं होता, सीक्वेंस हर उस व्यवस्था का होता है जिसको आप 1-1 मैपिंग के केस में बांध सकते हो. हर उस व्यवस्था का नेचुरल नंबर के सेट से रियल के किसी सबसेट में आप बांध सकते हो, वो सीक्वेंस आपका. आई बात समझ में ना, ये रियल का सबसेट ही तो लग रहा है.
ना, रियल का टुकड़ा, रियल का टुकड़ा, रियल का टुकड़ा, और आप 118 का एक्सपोनेंसी देखना, इधर मैंने 1 चुना, 1 की इमेज a1 की, 2 की इमेज a2 की, 3 की इमेज a3 की, कहते हैं ना सीक्वेंस बी द मैपिंग फ्रॉम f नेचुरल नंबर सेट टू द कैपिटल s व्हिच इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर सेट r, याद आया, ये नंबर का सीक्वेंस होता है। इसी तरह वेक्टर स्पेस का सीक्वेंस भी लिखाई पढ़ाते हो, तो हर चीज का, तो ये इंटरवल का सीक्वेंस। सीक्वेंस ऑफ दिस, ठीक, सच दैट, अच्छा सोचो ये सीक्वेंस कैसा है, ये सीक्वेंस जैसा होगा ना, ये अपने अंदर में तीन बात को समेटे हुए, चार उंगली का निकाल, तीन बात को समेटे हुए, पहली बात सुनना क्या है, हाँ अपने ऐसे ही है इधर उधर, सच दैट, पहली बात ये बताओ सबसे पहले कौन था, सबसे पहले था ए से लेकर के बी तक, ठीक है, इसमें आपने ब्रेक कर दिया आधे पर, तो बनाया A1 से लेकर के B1 तक, यानी जो सबसे पहले इंटरवल था मेन इंटरवल I, I इज द सुपरसेट ऑफ I1, सही है, अगर आया फिर आपने इस I1 को ब्रेक किया, ये I1 है, I1 को ब्रेक किया फिर, तो तैयार कौन हुआ I2, अब की गौर करो I1 इज द सुपरसेट ऑफ I2, क्योंकि इसी में से तो निकाला है, फिर आपने क्या किया इसको आधे पर ब्रेक किया, तो कौन बना I3, इसका मतलब I2 इज द सुपरसेट ऑफ I3, सुपरसेट ऑफ सुपर, सुपरसेट ऑफ I1, सुपरसेट ऑफ सुपर, क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, क्लियर हुआ, तो पहली बात तो ये ली कि मुझको जो सीक्वेंस मिला है क्लोज इंटरवल AB का, ठीक, वो सीक्वेंस आपका एक इस तरह का पैटर्न तैयार कर रहा है कि हर बाद में बनने वाला क्लोज इंटरवल का जो मेंबर है वो पहले वाले में कंटेन हो रहा है, बाद में बनने वाला क्लोज इंटरवल अपने से जस्ट पहले मौजूद का सबसेट हो जाएगा, यानी I1 इज द सुपरसेट ऑफ I2, सुपरसेट ऑफ I3, सुपरसेट सो ऑन, सुपरसेट ऑफ I n, सुपरसेट सो ऑन, पहली प्रॉब्लम आई का है, आई को मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा अभी, वो तो सबसे पहले शुरुआत की बात थी, एक बात आपको ये मिली, दूसरी बात आपको क्या मिली, सेकंड आपको ये मिल रहा है कि लेंथ ऑफ द इंटरवल आई एन इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ द इंटरवल आई एन इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई टू की पावर कितना एन, एंड दिस लेंथ अप्रोचेस टू द जीरो एज एन अप्रोचेस टू द इंफिनिटी, जैसे जैसे सीक्वेंस की संख्या, सॉरी इंटरवल की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इंटरवल की लेंथ क्या होती जाएगी, जीरो की तरफ कन्वर्ट करती जाएगी, क्लियर हुआ नहीं, और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, तीसरी बात ये कि इनमें से जितने लोग हैं उन सब में आपकी थ्योरम फेल होगी, हाँ या ना, शुरुआत तो एक थी, थ्योरम फेल ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, ब्रैकेट बी गेट I1 एंड I2, लेट थ्योरम फेल ऑन I1, I1 में फेल है तो I1 को ब्रेक किया, फिर जिसमें फेल है उसको ब्रेक किया, तो सोचो I1 में फेल है, फिर I2 में फेल है तो I2 को ब्रेक किया, फिर I3 में फेल है तो I3 ब्रेक किया, I4 में फेल है, तो यहाँ जितने लोग सजे हैं उन सब पर थ्योरम फेल है कि नहीं, एक भी ऐसा सब इंटरवल नहीं होगा जिसमें आपकी थ्योरम पास हो रही है, क्लियर है कि नहीं, लिखना द थ्योरम इज फेल ऑन ईच IN, द थ्योरम इज फेल ऑन ईच IN, हर एक सब इंटरवल में आपकी थ्योरम फेल कर रहे हैं, हाँ तो रहा नीचे वाला भी, आप तुम लोगों से पूछेंगे, जिससे पूछेंगे वो बताएगा, लिखना मत, इंटरसेक्शन कितना है इसका, इंटरसेक्शन कितना है आप डिसाइड करेगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे, 46 चल मैं फटाफट बताऊं, देर नहीं, इंटरसेक्शन कितना, अंशु इंटरसेक्शन, स्वाति इंटरसेक्शन, गीताजी इंटरसेक्शन, हाँ सिंगलटन जीरो, बगल में इंटरसेक्शन सिंगलटन जीरो, काजल तुमने पढ़ा नहीं है इसको शुरुआत में ना,
सचिन इंटरसेक्शन क्या सबसे छोटा वाला है? वो तो रुक ही नहीं रहा, वो तो रुक ही नहीं रहा। तुमको सबसे छोटा कास्ट मिलेगा, जितना मिलेगा उसमें फेल करेगा, उसका अगला वाला तोड़ देंगे, अगला मिलेगा कहोगे ये सबसे छोटा उसमें फेल करा हम अगला तोड़ देंगे, वो मिल ही कहाँ रहा है? झूठा ही सबसे छोटा वाला। अनस अपने क्लोज चल रहे क्या मिलेगा इंटरसेक्शन? नहीं कहाँ गया फिर बता, कपड़े नीचे करके बच्चा आप सुधर मोड़ की था बता, सिंगल्टन जीरो उमा कान इधर वीरेंद्र फटाफट फटाफट नहीं नहीं शशिकांत जिस पॉइंट पर डिस्कंटिन्यूअस होगा सिंगलटन नहीं मिलेगा भगत बोले तो ठीक था थोड़ा गड़बड़वादी बोले ठीक था केवल और केवल एक सिंगलटन सेट मिलेगा बस इतना ही बोलना है प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी नाम याद है अनस नाम याद है नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी कह रही थे घोंसले की तरह की बात है शुरुआत में जब पढ़ा रहे थे तब यहाँ नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी लगी और नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी लगी कि जितने लोग हैं हर बाद वाला पहले का सबसेट बनता चला जा रहा है हर बाद वाला पहले का सबसेट बनता चला जा रहा है तो ये सारे लोग सिकुड़ रहे जब इनका इंटरसेक्शन लिया जाएगा ना नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी से इनका इंटरसेक्शन एक सिंगलटन सेट आएगा और जो सिंगलटन सेट आएगा ना उस पॉइंट पर भी वहां भी फेल तो ये कहना कि जहां फेल कर रही हो वो पॉइंट वो तो बहुत सारे पॉइंट है इस पूरे इंटरवल में इनफाइनाइट पॉइंट है जहां फेल कर सकता है इसमें इनफाइनाइट पॉइंट में जहां फेल कर सकता है इसमें इनफाइनाइट पॉइंट में जहां फेल कर सकता है क्योंकि पूरे इंटरवल में फेल करता है कहां फेल करता है इसकी बात नहीं हुई है तो इनका इंटरसेक्शन एक सिंगलटन सेट मिलेगा और जो सिंगलटन पॉइंट मिलेगा उस सिंगलटन पॉइंट पर भी ये थ्योरम क्या कर रही होगी फेल कर रही होगी कुछ लिमिट पॉइंट की ही कैटेगरी जा रही है। चलो इतने की शुरुआत इसका नाम है नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी वो लिमिट पॉइंट की तरफ जा रहा है लिखना देखो बाय नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी बाय नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन ऑफ आई एन n वैरी फ्रॉम 1 से लेकर के इंफिनिटी इज इक्वल टू सिंगलटन अल्फा कोई एक पॉइंट मिलेगा लेकिन आएगा वो सिंगलटन ही ठीक। अच्छा अब मेरे को ये बताओ फंक्शन f शुरू में क्या दिया गया वो कंटीन्यूअस है हाँ या ना? तो फंक्शन f अगर कंटीन्यूअस है पूरे क्लोज्ड इंटरवल ab पर तो इसका मतलब उसके जितने सब इंटरवल तैयार हुए सब पर कंटीन्यूअस होगा और सब पर कंटीन्यूअस होगा तो इनका इंटरसेक्शन जो ये अल्फा आया है यहां भी फंक्शन अपना कैसा होगा कंटीन्यूअस होगा। वापस समझना ये पूरा कमरा अपना डोमेन मान लो इस पूरे पर फंक्शन का एक ग्राफ खींच दो वो पूरा कैसा है कंटीन्यूअस ग्राफ कहीं टूटा नहीं है कमरे का जितना छोटा छोटा टुकड़ा करोगे उसमें ग्राफ का जो पोर्शन आएगा वो हर पोर्शन या टूटा हुआ होगा या कंटीन्यूअस होगा नहीं समझ पाए वहां पंखे में एक रस्सी बांधो और उस रस्सी को बांध के खींच के यहाँ एक फूटा काट के यहाँ रस्सी बांध दो ग्राफ खींच गया कि नहीं खींच गया ये ग्राफ कैसा दिख रहा है कंटीन्यूअस कहीं टूटा फूटा नहीं है। अब तुम अपना हाथ बस ऐसे करते हुए चले जाओ कमरा पूरा फैला हुआ है और तुमने रस्सी बांधी हाथ ऐसे करना जितना हाथ की हो क्या ये कमरे का स्पेस लिया है कि नहीं लिया है तो रस्सी के आगे ऐसे लगाओ बोलो इतने अंदर में रस्सी टूटी है या कंटीन्यूअस है कंटीन्यूअस अपना हाथ आगे बढ़ाओ सब इंटरवल करो आप अपने कमरे को छोटे छोटे टुकड़े में बांटो अभी इसमें रस्सी कंटीन्यूअस या डिसकंटीन्यूअस कंटीन्यूअस मतलब अगर क्लोज्ड इंटरवल एबी पर कंटीन्यूअस है तो उसके सारे छोटे छोटे टुकड़े में कैसा होगा कंटीन्यूअस हाँ या ना। थ्योरम फेल होना अलग बात है थ्योरम कंटिन्यूटी के लिए नहीं फेल हो रही है थ्योरम फेल हो रही है कि ऑक्सिलेशन जो आपका है उसको आप एप्सिलॉन से भी छोटा कर सकते हो जितना चाहो उतना छोटा आप ऑक्सिलेशन को कर सकते हो थ्योरम ये
कंटिन्यूस तो है ही है, वो तो मेन स्टेटमेंट है कि ये तब होगा ना जब आपका फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस। तो अब हम कंटिन्यूटी पर शिफ्ट हो रहे हैं। हम ये कह रहे हैं चूंकि पूरे क्लोज इंटरवल ए बी में फंक्शन कैसा है कंटिन्यूस है, इसलिए उसके जितने सब इंटरवल तैयार हुए उन सब में फंक्शन कैसा होगा कंटिन्यूस, और उन सब में कंटिन्यूस है तो इनके इंटरसेक्शन पर जो ये पॉइंट मिल रहा है इस पर भी मेरा फंक्शन कैसा होगा कंटिन्यूस होगा। क्लियर हुई बातें? हम अल्फा पर कंटिन्यूटी की चर्चा कर रहे हैं ना कि ऑब्जर्वेशन की चर्चा कर रहे हैं। समझ में आई बात? लिखना इस बात को। सिंस एफ इज कंटिन्यूस, सिंस एफ इज कंटिन्यूस, सिंस एफ इज कंटिन्यूस ऑन इंटरवल आई, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज कंटिन्यूस कंटिन्यूस ऑन अल्फा आल्सो। जो कि f इंटरवल i पर कंटिन्यूअस है इसलिए वो अल्फा पर भी क्या होगा कंटिन्यूअस। अच्छा भैया अगर अल्फा पर कंटिन्यूअस होगा तो क्या हम एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम अगली लाइन ये लिख सकते हैं df फोर्स, इसीलिए फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, इसीलिए किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए यहां एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 होगा, जो इस प्रकार होगा कि डिफरेंस बिटवीन आवर फंक्शन f(x) एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी है अल्फा पर, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट अल्फा लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेनेवर, जब कभी व्हेनेवर द डिफरेंस बिटवीन x एंड अल्फा इज लेस देन कितना डेल्टा, इक्वेशन नंबर 1। समझ आए तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो हड़बड़ी नहीं दिखाएंगे, इसी पर रोकेंगे फिर कल अभी लाइन लिख रहे हैं। वैसे मेरे ख्याल से ना जितना शुरुआत में पढ़े हो डिग्री समझ आ जानी चाहिए, और जानो बेस्ट क्लास में भी हम सेम यही काम किए सेम यही काम। सिंस क्योंकि ऐसा है, सिंस लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी द लेंथ ऑफ इंटरवल i at इज इक्वल टू 0, जब इंटरवल की संख्या कहां पहुंच रही होगी इंफिनिटी, मतलब हम पार्टीशन करते जा रहे हर छोटा पार्टीशन तैयार हो रहा है तो इंटरवल की लेंथ कहां जा रही है 0 पर जा रही है, ठीक। सो इसलिए बी कैन टेक हम ले सकते हैं, बी कैन टेक हम ले सकते हैं, बी कैन टेक बी कैन चूज ज्यादा सही होगा, बी कैन चूज ज्यादा सही होगा, वैसे दोनों सेम ही पढ़ेंगे। We can choose a positive integer, small m. हम एक ऐसा positive integer small m select कर सकते हैं, कैसा? We can choose a positive integer small m so large, जो काफी बड़ा होगा, so large that, और इतना बड़ा होगा कि interval I m is the subset of अल्फा माइनस डेल्टा से अल्फा प्लस डेल्टा। नहीं समझ में आएगा हम जानते हैं, बस पहले लिख लो हम समझा रहे हैं तो मेरी सुन जाएगा। अब इसको अपनी भाषा में लाएंगे तो ये समझ आएगा। सुनो ये इंटरवल, इंटरवल ए से लेकर के कहां तक का ये इंटरवल, मान लिया इसमें थ्योरम फेल थी, इसमें थ्योरम फेल थी तो आधे पर ब्रेक किया तो इसका मतलब ये कौन है आई वन हाँ या ना, फिर इसमें फेल हुई तो हमने इसको ब्रेक किया तो ये आपकी कौन है आई टू है, अभी अगर इनका इंटरसेक्शन मारे तो कौन आएगा आई टू आएगा हाँ या ना, हमने इसको भी ब्रेक किया तो ये कौन है आई थ्री है, ऐसे में ब्रेक करते हुए चले गए ब्रेक करते करते जब इनका इंटरसेक्शन लिया तो इनका इंटरसेक्शन कोई अल्फा, वो अल्फा जो निकल करके आएगा ना वो यही कहीं कॉर्नर का पॉइंट होगा अल्फा, चलो यहीं पर मान लेते हैं ये छोटा सा यहाँ पर कौन आ गया अल्फा आ गया, ठीक है बहुत दूर तक लेकर के निकला है कि अल्फा है। अब सुनो अब हम धीमे से ना ये वाला पोर्शन उठा करके ऐसे लंबा कर देंगे जिससे तुमको नजर आए आयरन मैन की तरह, इसको ऐसे निकाला ऐसे खींच लिया अभी तुमको बड़ा नजर आएगा ये
ये ए और यहाँ मैंने क्या चुना हुआ है अल्फा। ये बताओ अगर ऐसी सिचुएशन है अल्फा पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अल्फा पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो आप ये बात लिख सकते हो, वो आपने लिख दी। अगर लेंथ अप्रोच कर रही है जीरो, जीरो हुई नहीं है, सोचो जीरो हुई नहीं है, क्योंकि अगर लेंथ जीरो हो गई तो इसका मतलब जो ये पार्टीशन कर रहे थे ना प्रोसेस रुक गया। अब प्रोसेस रुक नहीं सकता क्योंकि एक इंटरवल में कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट, आप जितना चाहो उतना पार्टीशन कर सकते हो। आपने प्रोसेस इंडेफिनेटली अप्रोच कराया हुआ है, इंडेफिनेटली अप्रोच कराया तो इसका मतलब इंटरवल लगातार 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 सिकुड़ते जा रहे हैं। जब इंटरवल लगातार सिकुड़ रहे हैं तो इंटरवल की संख्या लगातार बढ़ रही है कि नहीं, तो बहुत दूर जाकर के आप एक इंटरवल चुन सकते हो, बहुत दूर जाकर, जो बहुत दूर जा रहे हो ये स्टेप है कि नहीं है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर ना आपका स्टेप है। वी कैन चूज अ स्टेप, at that step we can select a sequence im, hum ek sequence im ko wahan se select kar sakte hain jo itna chhota hoga na, itna chhota hoga ki alpha ke bagal mein jo aap alpha plus delta alpha minus delta neighborhood banaoge na wo interval usi mein contain ho jayega। samajh paye is baat ko kya hai, wapas samajhna hai, ye ab hai, ye ab break kiya aur break kiya aur break kiya aur break kiya, sikud raha hai ki nahi lagatar, lekin socho pehle I फिर I1, फिर I2, फिर I3, I4, I5, I6, I7 बढ़ रहा है कि नहीं, सीक्वेंस ज्यादा हो रहे हैं। जब सीक्वेंस ज्यादा हो रहे हैं ना तो इसका मतलब अब सीक्वेंस जितना ज्यादा हो रहा है उतना उसकी लेंथ कम हो रही है, तो बहुत दूर चले जाओ एक लाखवां की सीक्वेंस, एक लाखवें सीक्वेंस पर आपकी लेंथ और कम हो जाएगी। आप 20 लाख पर चले जाओ लेंथ और कम हो जाएगी, सोचो कितनी दूर जा रहे हैं, 20 लाख जा रहे हैं, मतलब एम बराबर कितना चुना हमने 20 लाख, और वहां पर मुझको जो सीक्वेंस मिला वो सीक्वेंस कौन है आई यही मिला कि नहीं मिला, लेकिन इसकी लेंथ इतनी कम है, इतनी कम लेंथ इसकी है कि ये जो पॉइंट अल्फा है जहां सारे लोग इंटरसेक्ट हो रहे हैं आकर के, इस अल्फा से थोड़ा आगे अल्फा प्लस डेल्टा, थोड़ा पीछे अल्फा माइनस डेल्टा, इंटरवल है कि नहीं है, आप भी तो इंटरवल ही तोड़ रहे हो, लेकिन इस इंटरवल की लेंथ इतनी छोटी हो जाएगी, इतनी छोटी कि वो इंटरवल पूरा पूरा इसके अंदर कंटेन्यू हो जाएगा। सहमत हो कि नहीं, और ये आप हमेशा कर सकते हो हमेशा। अगर आई 20 लाख इसका सब्सेट नहीं है ना, आई 20 लाख नहीं है तो आई 40 लाख पे चले जाओ, अगर आई 40 लाख नहीं है तो आई 2 करोड़ पे चले जाओ, लेकिन आप चूंकि जितना आगे बढ़ोगे उतना छोटा होता जाएगा। भैया मेरे ये इसके अगर सब्सेट ना होता तो कुछ पॉइंट की वजह से बाहर रुक गया कि नहीं है, कुछ पॉइंट की वजह से बाहर रुका, आप इसको और छोटा कर दो, और छोटा कर दो तो कुछ पॉइंट जिनकी वजह से बाहर रुका था वो छट गए कि नहीं छट गए, अब कंटिन्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सिंपल सा, एक इतनी बड़ी पेंसिल है उसको आप अपने बैग में रखना चाहते हो, अपने मुंह में रखना चाहते हो, इतनी बड़ी पेंसिल है, ठीक, आज नहीं जाएगा, काट दो पेंसिल को, आधा कर दो, आधा करो अभी भी नहीं, और आधा करो अभी भी नहीं जाएगा, मुंह तुम्हारा इतना बड़ा खुलता है, लेकिन खुलता तो इतना बड़ा ना वही आप हमारा डेल्टा नेबरहुड है, एक वक्त आएगा पेंसिल को इतना छोटा कर दो इसे गप दे चली जाएगी, हाँ या ना, और छोटा कर दो ना, इतना छोटा कर दो इतना छोटा, उसको निगलने में भी तुमको जरा भी दिक्कत नहीं आएगी, तो पूरा निगल सकते हो, कोई रोक नहीं, हाँ या ना, चूल्हा या पेंसिल तो ऐसे इतने लोग दांत में दबोन कर डालते हैं, समझे ना, सही काम तो समझो, गंदा वाला समझो, समझो बस टाइम लेकिन खा गया एक मिनट। अच्छा एक काम करो ना, कितना लिखे हो ना, इसी पर इसी पर आपको बाकी बातें कर दूंगी, ये वीडियो मार्क नहीं करेंगे, कल पूरी थोड़ा मार्क करेंगे एक साथ। नहीं उससे ज़्यादा नहीं, गड़बड़ा जाएगा उससे ज़्यादा। पता नहीं क्या ब्लर दिख रहा है ना सर, जो भी हो, चल यहाँ तक हुआ था, बाय नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन एल वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी आई एन, हम लोगों ने माना था कि नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी से इसका इंटरसेक्शन एक सिंगलटन सेट आएगा, उस सिंगलटन सेट को हम लोगों ने क्या कह देता है अल्फा मान लिया था। अब चूंकि f पूरे इंटरवल i पर कंटीन्यूअस है, इसलिए जो इंटरवल का इंटरसेक्शन आएगा उस पर भी वो कैसा रहेगा, कंटीन्यूअस, यानी कि f इस अल्फा पर भी कैसा रहेगा, कंटीन्यूअस, और अगर f अल्फा पर कंटीन्यूअस है तो एप्सिलॉन डेल्टा डिफ्यूजन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करें, तो फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 यहां पर एक डेल्टा ऐसा होगा कि आप लिख सको डिफरेंस बिटवीन f(x) एंड f(α) लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 व्हेनेवर दिस क्वांटिटी लेस देन डेल्टा, इसे इक्वेशन नंबर 1 माना था। इसके बाद हम लोगों ने कहा था चूंकि इंटरवल की लेंथ लगातार कितनी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, तो
तो इसका मतलब जब आप n अप्रोचेस टू इंफिनिटी कराओगे तो लेंथ कहां पहुंच जाएगी? जीरो। एकदम छोटी सी लेंथ होती चली जाएगी। वी कैन चूज, ऐसे मामलों में अब हम चुन सकते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल m, सो लार्ज, इतना बड़ा हम इंटीजर चुन सकते हैं कि जो मेरा इंटरवल आई एम होगा वो अल्फा के डेल्टा नेबरहुड में पूरी तरह से कंटेंट हो जाएगा। ये बात कब समझाई गई थी? ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आपका ये इंटरवल है ए से लेकर के कहां तक का हिस्सा है, बी तक का। पहले मैंने इसको ब्रेक किया, ये कौन हो गया आई, फिर और ब्रेक कर दिया तो अब की बार ये कौन हो गया आई टू हो गया। तो सोचो ये आपका पहला पूरा इंटरवल आई, फिर आई वन, फिर कितना आ गया आई टू। लेकिन आई टू तक आते आते लेंथ कम हो चुकी है कि नहीं, और ब्रेक करेंगे तो कितना हो गया आई थ्री हो गया। और अब अगर हम यहाँ पर एक बात करें, मान लो अल्फा मुझको कहीं मिलता, वो अल्फा यहाँ कहीं पर मिलता, यहाँ हो सकता है वो अल्फा ए ही मिल जाता, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है वो अल्फा ए ही मिल जाता। तो इसका मतलब थोड़ा आगे जाओ तो ए सॉरी अल्फा प्लस डेल्टा, और थोड़ा पीछे आओ तो ये वाला पॉइंट कौन होगा अल्फा माइनस डेल्टा। अब हम इस हिस्से को इतना हिस्सा निकालेंगे, गौर करना, ये यहाँ पर ए है, यहाँ पर कोई पॉइंट रहा, ये पूरा आई थ्री है। केवल विजुलाइज करने के लिए हमने इसको निकाला और खींच करके फैला दिया। और यहाँ पर मैंने क्या माना हुआ है, यहाँ पर मैंने अल्फा माना है, तो अल्फा का जो डेल्टा नेबरहुड होगा वो कौन होगा, थोड़ा आगे अल्फा प्लस डेल्टा, थोड़ा पीछे अल्फा माइनस डेल्टा। अभी अगर तुम गौर करो आई थ्री इज द सुपर सेट ऑफ दिस डेल्टा नेबरहुड, हाँ या ना, यानी आई थ्री खुद इसको कंटेन करता है, खुद इसमें कंटेन नहीं होता। तो हम क्या करें, हम अभी और ब्रेक कर रहे हैं, और ब्रेक किया तो अब की बार आधे पर तोड़ दिया, अभी मेरा कौन तैयार हो गया आई फोर। लेकिन अभी भी मुझको नजर आता है आई फोर इज द सुपर सेट ऑफ डेल्टा नेबरहुड ऑफ अल्फा, हाँ या ना। आप इसको और ब्रेक करो तो अब की बार कौन आ गया आई फाइव आ गया, हाँ या ना। और चूंकि अब ये अल्फा इधर दिखाए एक्चुअल में इधर है नहीं, वो एकदम इधर कॉर्नर का पॉइंट है, एकदम कॉर्नर का। तो अब जितना ब्रेक करते जाओ उतना ही इंटरवल अपनी लेंथ सिकोड़ रहा। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब आप फिर इसको ब्रेक करोगे तो इतना छोटा इंटरवल तैयार होगा, लेकिन वो बहुत दूर तैयार होगा। इसीलिए क्या लिखा है, सो लार्ज m, इतना बड़ा है कि आप जो इंटरवल im बनेगा वो पूरा का पूरा इंटरवल कंटेंड हो जाएगा डेल्टा नेबरहुड ऑफ किसमें, अल्फा। ये बात समझ आ रही है? तो ये पॉइंट यहाँ केवल तुमको दिखाने के लिए ऐसा दिखाया, अदरवाइज ये पॉइंट यहाँ नहीं है। अब ये पॉइंट किधर है ये मुझको भी नहीं पता, ये पॉइंट किधर है मुझको भी नहीं पता, क्योंकि हमने कहा कि माना थ्योरम फेल होती है क्लोज्ड इंटरवल किसमें, एबी में। और अगर वो क्लोज्ड इंटरवल एबी में फेल होती है तो किसी एक पॉइंट पर फेल होगी, जिस पॉइंट पर फेल होगी वो पॉइंट कहीं ना कहीं होगा, हमने इंटरवल को ब्रेक कर दिया था, और ब्रेक किया था तो पॉइंट इधर आया था कि उधर आया था मेरे को नहीं पता है, पता कहीं नहीं पता था, हमने जबरदस्ती पॉइंट को इधर वाले में माना था तो हमने इसको आई वन कहा। अगर हम पॉइंट उधर वाले में मांगे तो ये कौन होगा, आई वन होगा। तो इसका मतलब अब इधर की ब्रेकिंग होगी, तो पॉइंट इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, लेकिन होगा तो कहां पर होगा, कॉर्नर के आसपास होगा। क्लियर है ये बातें? तो इसका मतलब आप इसको ब्रेक करते रहो, हर बार आप इंटरवल की लेंथ पहले से और छोटी करते रहो, और एक्चुअल में आप पहले से आधी करते रहो, ठीक। तो जब इंटरवल की लेंथ लगातार छोटी होती जा रही है तो आप ऐसा छोटे से छोटा इंटरवल तैयार कर सकते हो जो अल्फा के डेल्टा नेबरहुड में कंटेन हो जाएगा। क्लियर है ये बातें? इसी चीज को हम आगे इफ एक्स वन एंड एक्स टू आर एनी टू पॉइंट्स इन आई एम, इसलिए अगर x1 और x2 कोई भी दो पॉइंट है किसके im पे, दिमाग चलाना, im किसमें कंटेंट है, डेल्टा नेबरहुड ऑफ अल्फा में कंटेंट है, तो im इसमें कंटेंट है, और x1 x2 आप किसका पॉइंट मान रहे हैं, im का। इसका मतलब x1 कंटेंट है अल्फा माइनस डेल्टा से अल्फा प्लस डेल्टा में, x2 खुद कंटेंट है किसमें, अल्फा माइनस डेल्टा से अल्फा प्लस डेल्टा। सहमत हो कि नहीं इस बात से, जो दो पॉइंट हमने माने हैं आईएम के, आईएम प्रॉपरली कंटेंट हो चुका है डेल्टा नेबरहुड ऑफ अल्फा में। तो जब आप आईएम का पॉइंट लोगे, जब आईएम खुद कंटेंट है तो वो पॉइंट भी किसके पास होंगे, डेल्टा नेबरहुड ऑफ आईएम के पास होंगे, सॉरी अल्फा के पास होंगे। अच्छा, अब जरा एक क्वेश्चन नंबर 1 पे निकाल लो,
इक्वेशन नंबर वन क्या करता है, f इज कंटीन्यूअस ऑन i, हां या ना, चूंकि f पूरे इंटरवल i पर कंटीन्यूअस है इसलिए इसके जितने टुकड़े होंगे उन सब में वो कंटीन्यूअस रहेगा कि नहीं रहेगा, और अगर वो उन सब में कंटीन्यूअस रहेगा तो उनका इंटरसेक्शन जो अल्फा आया है उस पर भी कैसा रहेगा, कंटीन्यूअस रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो i में कंटीन्यूअस है वो i के ही टुकड़े im में कंटीन्यूअस है, हां या ना, और अगर वो आई एम में कॉन्टिन्यूस है तो आपने पॉइंट x1 और x2 किसका माना है, आई एम का माना है, यानी आपका फंक्शन x1 और x2 पर भी कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, और अगर वो x1 x2 पर कॉन्टिन्यूस होगा तो x1 x2 कहां पर है, डेल्टा नेबरहुड ऑफ अल्फा में है, जिसके लिए आप ऑलरेडी इक्वेशन नंबर वन तैयार कर चुके हो, हाँ या ना, समझ में आई बातें, वापस हम पूरा दोहरा रहे, फिर से सुनना, हमने ये कहा मेरा फंक्शन पूरे इंटरवल आई पर कॉन्टिन्यूस है, हाँ, और अगर वो i पर कंटीन्यूअस है तो i के जितने टुकड़े याद करोगे उन सब में कंटीन्यूअस होगा, तो i में i1 में कंटीन्यूअस, i2 में कंटीन्यूअस, i3 में कंटीन्यूअस, बहुत आगे आप चले आए तो im में भी वो कैसा रहा, कंटीन्यूअस। तो im का आपने दो पॉइंट चुना, कौन कौन सा, x1 और x2, जो im पर कंटीन्यूअस है वो x1 पर भी कंटीन्यूअस होगा और x2 पर भी कंटीन्यूअस होगा, हाँ या ना, लेकिन x1 और x2 खुद किसके पॉइंट है, डेल्टा नेबरहुड के, डेल्टा नेबरहुड के पॉइंट है, ठीक, और अगर डेल्टा नेबरहुड के पॉइंट है तो इसी में अल्फा के लिए आपने एक बात लिखी हुई है, ये बात होल्ड होती है, तो ये वाली बात x1 और x2 पर भी होल्ड होगी कि नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये पूरी बात किसके अंदर में आई, डेल्टा नेबरहुड के अंदर में आई है, तो यानी अब यहीं पर हम x की जगह पर x1 और x2, x की जगह पर x2 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, दोनों बातें सही है, चलो लिखो इसी बात पर, लिखना therefore if x1 and x2 are the two point of the im, then from equation 1, then from equation 1, अब equation number 1 से हम लिख सकते हैं mod of f of x1 minus f of alpha is less than epsilon by 2, ठीक, और mod of f of x2 minus f of alpha is less than epsilon by 2, आया ना, कोई दिक्कत किसी को इसमें, अच्छा इसका मतलब क्या, अगर इन दोनों को आप कंबाइन करें, इन दोनों को कंबाइन, तो इन दोनों को कंबाइन करने पर, अच्छा एक और चीज आगे वो शर्त लगा दूं, व्हेनेवर जब कभी, व्हेनेवर द डिफरेंस बिटवीन x1 एंड अल्फा लेस देन कितना, डेल्टा, और वही बात है x2 माइनस अल्फा लेस देन कितना, दोनों बातों के लिए, एक के लिए अलग है एक के लिए अलग है, वो मेरे लिखने की गलती है यार, कैसे नहीं लिखते, ये इसके लिए और ये इसके, पता नहीं कैसे लिख दिए इसको, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, अलग अलग ही लिखना चाहिए था, यार गलत नहीं करो सही में, अब चलो अंतर निकालते हैं f ऑफ x1 का और f ऑफ x2 का, दोनों का अंतर निकालते हैं, देखना, नाउ द डिफरेंस बिटवीन f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2 इज इक्वल टू, सारे लोग इधर देखो, सारे लोग, डिफरेंस बिटवीन f ऑफ x1 माइनस f ऑफ अल्फा प्लस f ऑफ अल्फा माइनस f ऑफ x2, सही किया या गलत किया, और अब इतनी समझ हो चुकी है कि यहां से हम सीधे अगली लाइन यही लिख सकते हैं, दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ अल्फा प्लस मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ अल्फा लिखा जा सकता है, और तुमको पता है ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, वो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, इसका मतलब लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन, सोचो तुमको मिला क्या, अपने ही इंटरवल के पॉइंट x1 x2 के लिए आपको मिलता है द डिफरेंस बिटवीन f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 लेस देन कितना एप्सिलॉन, जबकि आप क्या माने थे, आप माने थे ये तो कभी होल्ड ही नहीं होगा, माने तो यही थे ना, आपने ये माना था, थ्योरम फेल कर रही है, थ्योरम फंक्शन कंटीन्यूअस है लेकिन थ्योरम फेल कर रही है, थ्योरम फेल कर रही है तो इसका मतलब कोई पॉइंट x1 x2 ऐसा नहीं होगा जिसके लिए f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन हो सके, लेकिन सोचो सॉल्व करते 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 आपको यही मिला कि नहीं मिला, कंट्राडिक्शन आया कि नहीं, आप जिसको फेल मान के चल रहे हो आखिर में वही आपको मिल रहा है, क्यों गलत हुआ, क्योंकि आपने शुरुआत में माना ही गलत था, ये बात होल्ड नहीं आई, बात समझ में, इतना नोट करो तो लैंग्वेज के लिए, यही इतनी लाइन तक छोटी थी, रो को मैंने रो को मैंने नाइन का मतलब ये का इंडियन
This contradict the fact, ये उस तथ्य का अपोज़ करता है, विरोध करता है. This contradict the fact that the theorem is false. This contradict the fact that theorem is false. In IN, theorem is false in IN. ये उस तथ्य का विरोध करता है जो हमने माना हुआ था कि theorem IN में क्या कर रही है, फेल कर रही है. इसका मतलब हमारा मानना गलत है और theorem सही है. Hence theorem is true. Hence theorem is true. या theorem must be true लिखते हैं ना. Hence theorem must be true. इसलिए theorem हर हाल में सही है. Hence theorem must be true. हो गया? अभी theorem नहीं चलता. अभी ठीक है. अभी थ्योरम का स्टेटमेंट है. एवरी फंक्शन डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस. Every function defined and continuous, defined and continuous on a closed interval. Is bounded in that interval. Bounded in that interval. Bounded in that interval. कोई फंक्शन अगर किसी क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, कोई दिया गया फंक्शन अगर किसी क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, वो डिफाइंड क्या ना बाइकूट का लगा होता है, डिफाइंड तो रहेगा रहेगा. अगर वो इंटरवल में डिफाइंड है, कंटिन्यूअस है, तो ऐसे में उस क्लोज्ड इंटरवल में आपका फंक्शन बाउंडेड नहीं होगा. वो एक वैल्यू के ऊपर और एक वैल्यू के नीचे नहीं जा सकता. नॉर्मली ग्राफ से तुरंत पता चलता है. ग्राफ से अगर देखा जाए तो अगर पर मान लो मैंने कोई फंक्शन लिया, लॉग का ही फंक्शन ले लिया और इंटरवल ले लिया, मान लो कितने से लोग 6 से, इसको 6 से लेकर 7 तक का. तो अगर मान लो 6 से लेकर 7 तक के हिस्से पर 6 पर वैल्यू ये है और 7 पर वैल्यू ये, और इसके बीच में जितनी बार आप फंक्शन की वैल्यू आएगी वो इन्हीं दोनों के बीच में ही आएगी. ना तो इससे नीचे जा सकती ना इसके ऊपर जा सकती. लॉग का बाउंडेड है. आप साइन वाले में आओ, साइन बेचारा खुद ही बाउंडेड है, -1 से +1, तो उसके सारे टुकड़े बाउंडेड हो जाएंगे. ये ऐसा था ना जो खुद कैसा था, अनबाउंडेड. लेकिन एक इंटरवल में अगर ये कॉन्टिन्यूस हो गया, और इंटरवल भी कैसा, क्लोज्ड इंटरवल, तो इसका मतलब है ओपन में नहीं. जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ओपन इंटरवल 0 से लेकर 7 तक के बीच में कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा. लेकिन ये बाउंडेड नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप 0 के नजदीक आओगे वैसे वैसे आप कहां जा रहे हैं, -∞ तक जा रहे हैं. तो इसीलिए ये थ्योरम ओपन के लिए नहीं कहेगी, बल्कि कहां कहेगी, क्लोज के लिए. अगर मेरा फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस है, तो निश्चित तौर पर मेरा फंक्शन कैसा होगा, बाउंडेड होगा. पता है थ्योरम एक साथ सीरियल में जुड़ी हुई, एक साथ सीरियल. पहली थ्योरम जो थी उसको देखो जरा. पहली थ्योरम, सबसे पहले एक थ्योरम करवा लीजिए.
तो तुम दिखा रहे कैसे थ्योरम एक दूसरे के साथ ज्वाइंट वेंचर में आ रहे हैं। पहली थ्योरम हम करवाए हुए हैं, अगर फंक्शन f(x) किसी क्लोज इंटरवल ab में कंटीन्यूअस है तो पर्टिकुलर सिंगल एक पॉइंट की बात की है वहां पर। स्टेटमेंट बोलो क्या लिखा है, पूरा स्टेटमेंट। फंक्शन f इज कंटीन्यूअस एट a एंड इट इज बाउंडेड इन सम नेबरहुड ऑफ इन सम नेबरहुड ऑफ स्मॉल, यानी अगर मेरा फंक्शन किसी दिए गए क्लोज इंटरवल ab में किसी पॉइंट a पर कंटीन्यूअस है तो a के किसी ना किसी नेबरहुड में कैसा रहेगा, बाउंडेड। ये किया। दूसरी थ्योरम जब हमने की तो दूसरी थ्योरम सोचो हम लोगों ने क्या किया, दूसरा हमने किया कि अगर मेरा फंक्शन क्लोज इंटरवल ab में कंटीन्यूअस है तो हम क्लोज इंटरवल ab के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े तैयार कर सकते हैं कि हर एक में द डिफरेंस बिटवीन या ऑब्जर्वेशन ऑफ द फंक्शन लेस देन कितना होगा एप्सिलॉन फॉर एनी चूजन एप्सिलॉन, आप जितना उनके उतना छोटा आप कर सकते हो। ये भी हमने किया। अब हम तीसरा क्या करने जा रहे हैं, तीसरा हम कह रहे हैं अगर मेरा फंक्शन क्लोज इंटरवल ab में कंटीन्यूअस हो गया तो निश्चित तौर पर इस क्लोज इंटरवल ab में मेरा फंक्शन कैसा होता, बाउंडेड होता। सिंगल पॉइंट पर बाउंडेड था तो नेबरहुड में बाउंडेड लाए, सिंगल पॉइंट पर था कंटीन्यूअस था तो नेबरहुड में बाउंडेड लाए। अब अगर क्लोज इंटरवल में बाउंडेड है सॉरी क्लोज इंटरवल में कंटीन्यूअस है तो उसी क्लोज इंटरवल में बाउंडेड लेकर आप बाद में बताएं क्या करेंगे, बाद में हम ये करेंगे। फिर हम ये कहेंगे कि अगर मेरा फंक्शन क्लोज इंटरवल ab में कंटीन्यूअस है तो ट्रू फैक्ट है कि वो बाउंडेड होगा। इस थ्योरम के बाद हम कह सकते हैं, इस थ्योरम के बाद तुमसे कोई ऐसे रफली सवाल पूछे कि मैंने तुमको एक फंक्शन दिया क्लोज इंटरवल 18 से लेकर के 25 तक में वो कंटीन्यूअस है, तुम आंख बंद करके कहोगे अगर वो कंटीन्यूअस है तो वो बाउंडेड भी होगा, अनबाउंडेड नहीं हो सकता। बाद में हम क्या कहेंगे ना, बाद में हम और ज्यादा इसको रिफाइन कर देंगे। हम कहेंगे अगर वो क्लोज इंटरवल ab में कंटीन्यूअस है तो वो पक्का बाउंडेड होगा, और बाउंडेड होगा तो अगली थ्योरम प्रूव करेंगे वो अपने बाउंड को अटेम्प्ट भी करेगा, यानी निश्चित तौर पर कोई ना कोई पॉइंट होगा जिस पर फंक्शन अपने सुप्रीमम के और अपने इंक्रीमम के बराबर हो चुका होगा। ऐसे पॉइंट भी आपको सारी थ्योरम एक सीक्वेंस में जुड़ गई। स्टेटमेंट बोला गया इंटरवल इज बाउंडेड इन दैट इंटरवल प्रूफ कीजिएगा। चलो शुरुआत, तुम ये कह सकते हो सवाल उठना लाजमी है इधर, अगर ग्राफ से दिखा सकते हैं तो प्रूफ कर, ग्राफ से तो आसान ही दिखाना ना, ग्राफ से कोई भी आप फंक्शन ड्रॉ कर लो, कोई भी ड्रॉ कर दिया, कोई भी टुकड़ा ले लो, क्लोज इंटरवल ab में डिफाइंड है और क्लोज इंटरवल ab में कंटीन्यूअस है, सर बाउंडेड तो है ये, बाउंडेड है क्या, लेकिन दुनिया में हर फंक्शन का ग्राफ नहीं ट्रेस हो सकता, दुनिया में हर फंक्शन का ग्राफ नहीं ट्रेस हो सकता है, फिर भी उसके लिए भी ये थ्योरम सही हो जाएगी। तो इसीलिए हम इसको ग्राफिकली ना, ग्राफ से आप समझते हो, आप कोई भी ऐसे रफली ग्राफ खींच लो और उससे आप समझ सकते हो, ग्राफ का टुकड़ा आप एक क्लोज इंटरवल में ले लो, उधर वो कंटीन्यूअस बना रहना चाहिए, अगर उधर कंटीन्यूअस है तो पक्की बात है वो कैसा होगा, बाउंडेड होगा। लेकिन जिनका ग्राफ नहीं खींच सकता है उनके लिए तो आप ऐसे नहीं दिखा सकते हो ना, तो उनके लिए क्या करोगे, उनके लिए थ्योरेटिकल ले लो। तो थ्योरेटिकल में ग्राफिकल के लिए जिनका ग्राफ नहीं खींच सकता उनके लिए सबके लिए शामिल हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको प्रूफ करके दिखाते हैं, अदरवाइज आसान तो अपने लिए ग्राफ बनाओ चले किया जाए। हाँ कोई पूछे तुमसे तो ये बताने के काबिल रहो, वो पूछ ले यार ये तो हम ग्राफ से दिखा देते हैं तुम इसके लिए दो पन्ना क्यों खराब किए, तो तुम उसको कह सको कि हर फंक्शन का ग्राफ नहीं बनाया जा सकता है, और जिनका ग्राफ नहीं बन सकता है अगर उनके लिए आपको बात करनी होगी तो आपके लिए एनालिसिस का अप्रोच लेना पड़ेगा। हम ये मान रहे हैं, माना मेरा फंक्शन क्लोज इंटरवल ab पर कंटीन्यूअस है जो कि दिया ही गया है, लिख ले फंक्शन f बी कॉन्टिन्यूअस लेट फंक्शन f बी कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ab, माना फंक्शन f क्लोज इंटरवल ab पर कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। अगर ये क्लोज इंटरवल ab पर कॉन्टिन्यूअस है तो जस्ट अभी अभी तो हमने थ्योरम पढ़ी हुई है अभी अभी कि अगर मेरा फंक्शन क्लोज इंटरवल ab पर कंटीन्यूअस है तो इस क्लोज इंटरवल ab के हम ऐसे फाइनाइट टुकड़े कर सकते हैं कि हर टुकड़े के अंदर में फंक्शन का जो ऑब्जर्वेशन होगा वो मेरे द्वारा सोचे गए किसी छोटे से छोटे नंबर एप्सिलॉन से भी छोटा बनाया जा सकता है, हाँ या ना, उसी थ्योरम का यहाँ पर यूज कर लो, लिखना देन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देन फॉर गिवन
एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तब किसी भी दिए गए छोटे से छोटे नंबर एप्सिलॉन के लिए बी कैन डिवाइड, बी कैन डिवाइड, बी कैन डिवाइड द क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी इनटू इनटू अ फाइनाइट नंबर ऑफ इनटू अ फाइनाइट नंबर इनटू अ फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स से माना हाउ सब इंटरवल ब्रेक करते हैं। सबसे पहले सब इंटरवल पहला ये बताओ शुरुआत करें ए जीरो से ए वन, लेकिन ध्यान देना ये मेरे पास है ए ये मेरे पास है बी, अरे इसको ब्रेक करना है ना, जब ब्रेक करोगे तो एक किनारा तो ये रहेगा रहेगा ये हट जाएगा, एक किनारा रहेगा। जैसे हमने यहाँ पॉइंट लिया ए वन, तो अब मुझको अब पढ़ने में आसानी हो इसीलिए हम कह देते हैं ए जीरो ए वन, लेकिन एक्चुअल में फैक्ट क्या है ए जीरो बराबर कौन है ए है, और चलते चलते जब यहाँ आओगे ए एन माइनस वन और इसको कहोगे ए एन, तो एक्चुअल में ए एन बराबर कौन है बी। तो ये बात कंफ्यूज भी ना करें बचे भी रहे हम, इसके लिए हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं, पहला मैसे लिखते हैं ए बराबर ए जीरो से लेकर के ए वन, किसी को कोई दिक्कत इसमें लिखा जा सकता है। और अगला इंटरवल कौन होगा अगला ए वन से लेकर के ए टू तक, अभी कुछ भी हो आगे से मुझको चिंता नहीं है, ए टू से लेकर के कहां तक ए थ्री तक, और ये ऐसे ब्रेक करते करते लास्ट में ए एन माइनस वन से लेकर के ए एन, लेकिन एक्चुअल में ए एन कौन है बी है। ब्रेक कर सकते कि नहीं नोट करो, सच है सच है। और ये ब्रेकिंग किस तरीके से हो रही बोलिए, तो और क्या क्या बातें वो अपने डोमेन में कह सकता है। और फंक्शन अब बोल रहा है कि अगर आपने मुझको किसी क्लोज्ड डोमेन में किसी क्लोज्ड इंटरवल में आपने ले आकर के कंटीन्यूअस कर दिया तो हम वहां पर बंध जाएंगे, मेरी वैल्यू दो लोगों के बीच में बंधी हुई निकल करके आएगी। बाद में फंक्शन फिर आपको बताएगा कि बंधी हुई वैल्यू आ रही है तो निश्चित तौर पर मेरा कोई ना कोई सुप्रीमम होगा, मेरा कोई ना कोई इंपीमम होगा, और हम अपने सुप्रीमम और इंपीमम दोनों को अटेम्प्ट करेंगे, दोनों को अटेम्प्ट करेंगे। अब फिर आगे फंक्शन एक और नई थ्योरम बोलेगा, ठीक है, वो थ्योरम फिर आगे हम लोग एक मास्टर स्ट्रोक की थ्योरम पढ़ेंगे, और यहीं से फिर हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे मीन वैल्यू थ्योरम पर, वो सारा इसी में शामिल है। अभी तो एक और थ्योरम जाननी है कि अगर आप पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस हो और उस पॉइंट पर आपकी वैल्यू पॉजिटिव है तो उसके गिर्द गिर्द आपके साइन नहीं बदलेंगे, उसके कंटिन्यूअस फंक्शन ना किसी पॉइंट पर अगर कंटिन्यूअस है तो उसके गिर्द गिर्द अपना साइन नहीं बदलता, उसका जो साइन रहता है वही रहता है। ग्राफिकली हम इसको क्यों दिखा सकते हैं, बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज। जैसे ये मेरा ग्राफ है, अब कहो पर मेरा फंक्शन x बराबर a पर कैसा है, कंटीन्यूअस है कि नहीं है, और x बराबर a पर कंटीन्यूअस हो चाहे x के लेफ्ट जाओ चाहे x के राइट जाओ, नेबरहुड में जाओ, दूर दूर नहीं चलने की बात है, नेबरहुड में वो अपना साइन नहीं बदलेगा। अगर यहाँ पर वैल्यू देखो तो यहाँ वैल्यू कैसी है पॉजिटिव, तो सोचो नेबरहुड में यहाँ पर भी वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव, और नेबरहुड में यहाँ भी वैल्यू क्या रहेगी, साइन नहीं चेंज होगा। किसी के दिमाग में आएगा ना ग्राफ हम यहाँ ले आ देंगे यार, अब तब नीचे जाएंगे, अब यहाँ बैठेंगे तो ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, नेबरहुड में आया ना, तो यहाँ तो उसके पास साइन ही नहीं है, यहाँ उसके पास साइन ही नहीं है। गौर करो जीरो के पास क्या कोई साइन होता है, जीरो ना इधर पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो ये तब की बात होगी ना जब उसके पास अपना साइन होगा। अगर हम कह रहे हैं कि मेरा फंक्शन एफ ऑफ ए पर पॉजिटिव है तो ए के नेबरहुड में भी वो पॉजिटिव बना रहेगा, अगर वो ए पर नेगेटिव है तो नेबरहुड में भी नेगेटिव बना रहेगा। लेकिन अगर तुमने कह दिया एफ ऑफ ए कितना हो गया जीरो, अब नेबरहुड में वो साइन बदल सकता है, उधर जाएगा पॉजिटिव इधर जाएगा नेगेटिव, या इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव, अब वो कुछ भी कर सकता है, अब फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी ये सारी बातें निकल करके सामने आएंगी, अच्छा
थर्ड ईयर वालों के लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि अब इतना तो कंटिन्यूटी तुम जानते हो, तुम अगर वही कंटिन्यूटी जानते हो जो इंटर वाला बी एस सी वाला जानते हो तो तुम्हारे उसके बीच में फर्क होगा। ये तुम्हारे कोर्स में इसीलिए लागू होता है। लेखन सच दैट ध्यान देना, जब आपने कहा कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल ए बी पर और आपने ब्रेक कर दिया इंटरवल ए बी को इतने टुकड़े में, याद करो पिछली वाली थ्योरम कहती है आप जितने टुकड़े में इसको ब्रेक करो हर टुकड़े में फंक्शन का ऑब्जर्वेशन हमेशा आपके द्वारा चुने गए एप्सिलॉन से कम किया जा सकता है। हाँ ना, तो इसमें दो पॉइंट एक्स वन एक्स टू होंगे कि एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू लेस देन कितना होगा एप्सिलॉन, इसमें भी दो पॉइंट होंगे एक्स वन एक्स टू कि आप कह सकते हो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू लेस देन एप्सिलॉन। जनरल बात कहें जनरल, आपके किसी भी इंटरवल आई आई में या आई जे में आपको दो पॉइंट एक्स वन एक्स टू मिलेंगे, द डिफरेंस बिटवीन एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू लेस देन कितना होगा एप्सिलॉन इन दैट इंटरवल। हाँ या ना, और वो दैट इंटरवल इनमें से कोई भी हो सकता है। क्लियर है ये बात है, लिखना सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एफ ऑफ एक्स वन एंड एफ ऑफ एक्स टू इज लेस देन एप्सिलॉन, इक्वेशन नंबर वन। ठीक, फॉर एनी x1 कॉमा x2, x1 कॉमा x2, लेकिन ध्यान रखना ये x1 x2 अलग अलग इंटरवल से नहीं आएंगे, सेम इंटरवल से आएंगे। फॉर एनी x1 x2 बिलोंगिंग टू सेम इंटरवल वैसे सब इंटरवल को ज्यादा अच्छा है, सेम सब इंटरवल belonging to same sub interval अब ये जो बात मैंने लिखी ना, ये बात सबसे पहले वाले सब इंटरवल पर जा रहे हैं a0 से लेकर के a1। लिखना let x belong to, let point x belong to the closed interval a0 से लेकर के a1 तक, यानी हम a से लेकर के a1 लिख सकते हैं a to a1, then by equation 1 अगर हम पॉइंट को पहले वाले सब इंटरवल में माने तो इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से हम लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन f ऑफ x जनरल पॉइंट माइनस कुछ पॉइंट पर्टिकुलर चुन रहे हैं, गौर सुनना x को आपने यहां का पॉइंट माना है f ऑफ x, दो पॉइंट लेने हैं, पहला x1 लेना है दूसरा कौन लेना है x2, हमने x1 को चूज कर लिया, x1 बराबर कितना ले लिया x और x2 बराबर यही हम ले लेते हैं कौन सा a, f of x1 minus f of x2 यानी f of x minus f of a less than कितना हो जाएगा epsilon हो जाएगा, लिखा जा सकता है तो f of x minus f of a less than कितना epsilon for all small x belong to the closed interval a से लेकर के a। पहली पर्टिकुलर बात दिमाग में ये बरकरार रखना, फंक्शन को बाउंडेड दिखाना है, फंक्शन को क्या दिखाना है बाउंडेड दिखाना है क्लोज इंटरवल ए बी में। एक फंक्शन अगर क्लोज इंटरवल ए बी में बाउंडेड बनना चाहता है, इसका थीम सुनना, एक फंक्शन अगर क्लोज इंटरवल ए बी में बाउंडेड बनना चाहता है तो उस क्लोज इंटरवल ए बी के जितने टुकड़े किए जाएंगे उन सब में उसको बाउंडेड बनना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में बाउंडेड बनना चाहता है तो यहां जितने टुकड़े किए जाएंगे उस हर टुकड़े में उसको बाउंडेड बनना पड़ेगा, क्योंकि खुदा नखास्ता अगर एक भी टुकड़े में बंदा अनबाउंडेड रहा तो ये टुकड़ा आया तो इंटरवल से है, उस इंटरवल में भी वो क्या हो जाएगा अनबाउंडेड। तो अभी हम पहला पॉइंट कहां से चुन रहे हैं, पहले से अभी हम इसमें फंक्शन को बाउंडेड दिखाने जा रहे हैं कि आप इसमें बाउंडेड हो, और गौर करना जब हमने पहला पॉइंट लिया तो हम यहां लिख रहे फॉर ऑल एक्स, आप यहां से कोई भी एक्स चुन लो, आप तो कह ही हो वॉट एवर बी द एक्स वन एंड एक्स टू इन द सेम इंटरवल में एक्स वन एक्स टू कुछ भी हो जाए, लेकिन ये वाली बात होल्ड करेगी, कहां गई बात, ये बात होल्ड करेगी। तो मैंने एक्स वन की जगह पर क्या रख दिया एक्स, कोई भी पॉइंट हो जाए पहले इंटरवल का, और एक्स टू की जगह क्या रख दिया ए, तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए के बीच का अंतर लेस देन एप्सिलॉन होगा, सही या गलत। अच्छा अब आओ जरा इसमें हम पहले वाले इंटरवल में देखते हैं क्या मेरा फंक्शन बाउंडेड है कि नहीं, यानी मॉड एफ ऑफ एक्स निकालते हैं, मॉड एफ ऑफ एक्स, नाउ मॉड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सोचना क्या हो सकता है, ये हो सकता है मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए, सही या गलत, नोट करो, नोट करो, पहले इंटरवल में उसको बाउंडेड कहने जा रहे हैं, पहले सब इंटरवल में
और सुनो, दिमाग दिमाग ना बांधना मत, दिमाग बिल्कुल मत बांधना, तुम्हारी मर्जी, तुम इस ए को नहीं, तुम इस ए वन को भी काम कर सकते हो। चले आगे बढ़े। अच्छा ये बताओ, क्या हम एक काम सीधे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू, पूरे को जेड वन मान रहे हैं, तो इसका मतलब दिस क्वांटिटी लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए और प्लस मॉड ऑफ एफ ऑफ ए, सही या गलत लिखा जा सकता है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट, सोचो मिला क्या, दो मिनट सारे लोग इधर देखो, तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ये वाली क्वांटिटी, इसको जरा देखो, ये क्वांटिटी पक्का लेस देन कितना है एप्सिलॉन, तो इसको हटा करके एप्सिलॉन रख दें तो इक्वालिटी खत्म हो जाएगी, यानी दिस क्वांटिटी कंफर्मली लेस देन एप्सिलॉन प्लस मॉड एफ ऑफ, सही या गलत लिखा जा सकता है, तुम गौर करो, मॉड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू छोटी हो चुकी है एप्सिलॉन प्लस मॉड एफ ऑफ ए से, किसके लिए, किसके लिए, फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग टू द क्लोज इंटरवल ए से लेकर के सबसे छोटी, नोट करो। प्रूफ करने वाले ने क्या दिमाग खेला है इसको, मतलब रियलिटी में सोचने के बाद बंदा इसको प्रूफ किया होगा, कितना टेक्निकलिटी से प्रूफ किया, अभी उसका देखना, अभी वो चालाकी कितनी तगड़ी लगा रहे हैं। एक तो इन्होंने कह दिया मॉड एफ ऑफ एक्स लेस देन होगा एप्सिलॉन प्लस मॉड एफ ऑफ एक्स, ये तो उसने ये तो कह दिया कि ये छोटा है, लेकिन अभी सामने वाले के दिमाग में एक बात आ जाएगी, भाई मॉड एफ ऑफ ए अगर बड़ा से बड़ा होता चला गया, बड़े से बड़ा होता चला गया तो बवाल हो सकता है, तब अनबाउंडेड हो सकता है, तो वो क्या किया ना, वो किया यहां आगे क्या लिख के चल रहा है, फॉर ऑल स्मॉल एक्स कोई भी एक्स चुन लो, तो अभी वो क्या करेगा, अभी एफ ऑफ ए को बाउंड कर देगा, ये बताओ पहले इंटरवल में क्या ए है कि नहीं है, है कि नहीं, अब आप धीमे से x बराबर a ले लो, x बराबर a और वही x बराबर a इसी में यूज कर लो, तो देखो क्या मिलेगा, मॉड f of a itself less than epsilon plus mod f of a, खुद भी बेचारा छोटा है कि नहीं छोटा है, यानी इसमें कुछ जोड़ रहे हो तो ये छोटा है, पक्की बात है ये क्वांटिटी इंफिनिटी तो नहीं हो सकती, क्योंकि इंफिनिटी सोचो अपने को मिल क्या रहा है, वापस सोचना हम पर्टिकुलर x बराबर a ले रहे हैं, अगर मैंने पर्टिकुलर x बराबर a ले लिया तो x बराबर a लेने पर mod f of a less than epsilon plus mod f of a, यानी mod f of a में कुछ जोड़ रहे हो तो खुद mod f of a उससे छोटा हो जाए, infinity में कुछ जोड़ोगे तो क्या आएगा, infinity मतलब infinity always equal to infinity plus something, सही बोले या गलत बोले, ये तो नहीं कहा ना infinity is less than infinity plus something, ऐसा तो नहीं कहा, तो ये property किस पर लागू होगी, number पर, एनी नंबर इज कंफर्मली लेस देन दैट नंबर प्लस समथिंग, तो ये नंबर आपका कैसा हो गया, फाइनाइट, इसका मतलब ये आपका क्या रहा होगा, फाइनाइट रहा होगा, तगड़ा खेल खेला ना, अब इसके बाद हाँ इन लोगों की थ्योरम पढ़ करके ना फील यही आता है गलत जमाने में पैदा हो गए, वही पुराने वाले जमाने में पैदा होते कम से कम ये था, अभी क्या, अभी कल डिपार्टमेंट बैठ के बात कर रहे थे तो हम और शुक्ला सर दोनों लोग बात कर रहे थे, तो यही किया कि आज कल जमाने सचमुच में वो कहे कि हर किसी को लगता है, शुक्ला सर नहीं थे अभिषेक सर थे, कहे हर किसी को लगता है कि उसका बचपन ज्यादा अच्छा था, ये बचपन की मानसिकता है, हम क्या नहीं सर बचपन की मानसिकता नहीं, अगर आप सही देखिए ना तो उस दौर में बेहतर चीजें थी, उस दौर में होता था हम लोग बीएससी करते थे हाथ में मोबाइल नहीं होता था, तो पढ़ते पढ़ते थक भी गए ना तो बाहर निकल करके गली मोहल्ले के लोगों से मिल आए, आज कोई अगर पढ़ते पढ़ते बोर हो गया मिलने नहीं जाता किसी से, पढ़ते पढ़ते बोर हो गया मोबाइल उठा करके रील्स देखेगा, आज वो मोबाइल उठा करके रील्स देखेगा और रील्स देखेगा, और एक बार आपने रील्स देखना शुरू किया ना 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा धुआं धुआं हो गया इलाका पूरा, ना वो आप देखते रहो, वो आपका टाइम किल कर रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है, और मोबाइल अगर आप एक लिमिट के बाद देख लो ना तो उसमें बहुत थकान चढ़ती है दिमागी तौर से, फिर मतलब तुम थकान से रिलीफ पाने के लिए इसकी तरफ आए और थकान लेकर के फिर कहोगे थोड़ी देर सो रख दिया, पहले यही चीज नहीं होती थी, तो इन लोगों के दौर में तो वो भी नहीं था जो हम लोगों के दौर में आ गया,
तो इन लोगों ने ना वो काम किया जो आज भी पढ़ा जा रहा है, और आज इसीलिए कहा था ना जो रियल एनालिसिस का गोल्डन ईरा है ना वो इधर नहीं आया जब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया। आज इतना डेवलपमेंट है आप कंप्यूटर पे ग्राफिक्स खींच सकते हैं तुरंत का तुरंत, लेकिन आज भी वो थ्योरीज वो कंजेक्चर और पुराने लिखे गए थे वो आज भी नहीं प्रूफ हो पा रहे हैं। उस दौर की ये बलिहारी ना, उस दौर में जब लोगों के पास कोई काम नहीं था तो एक ही काम करते थे, उठा करके घुटे घूमते थे, सब अपने अपने काम में महारत, जो लड़ता था वो लड़ने में महारत हासिल था। तब लोग ये नहीं कहते थे चार कुछ मिर्ची भर के बटोरे हुए हैं आप मार के दुकान मार इनकर मार इनकर, अब अभी ये कहते हैं पहले लोग अकेले दम पे जाते थे लड़ने के लिए, आओ दम हो तो लड़ करके दिखाओ, अभी अभी कुकुर बटोर के जाते अभी ये लिखा इन पर्टिकुलर, देखो इन पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर When x is equal to a1, ये लास्ट वाला पॉइंट ले रहे हैं, इंटरवल का लास्ट वाला पॉइंट। इन पर्टिकुलर when x is equal to a1, अगर हम पर्टिकुलर में x बराबर a1 ले लें, मुझको क्या मिलेगा? b है, b है, रख भैया जरा x बराबर a1, f of a1 is less than epsilon plus mod f of a1। सही है गलत? एप्सिलॉन प्लस मॉड एफ ऑफ ए, इसे नाम दो इक्वेशन नंबर टू। अब तक इक्वेशन नंबर वन कहीं माने हो? वो पहला आता, इसे इक्वेशन नंबर टू मान लो। घबराना मत, अभी ऐसे लिखते रहो। सुनो, ये सारी चर्चा हुई जब आपने पॉइंट को किस इंटरवल में माना, पहले इंटरवल में, पहले इंटरवल में मान करके आपने कह दिया कि मॉड एफ ऑफ एक्स बाउंडेड तो है, वो आपने कह दिया। अब इसको हम बता चुके हैं फाइनाइट है, ठीक है, उधर नहीं दिखा रहे, उधर हम नया केस आगे बढ़ा रहे हैं, हम x बराबर a1 लेकर के काम कर रहे हैं, ठीक, ये तय हो चुका है कि ये फाइनल है। अगली बात सुनना, अब हम इसी पॉइंट को x को सेकंड इंटरवल में भेज रहे हैं, मतलब अब तक मैंने पहले इंटरवल पर बाउंडेडनेस की चर्चा की, अब हम किस पर कर रहे हैं? सेकंड पर कर रहे हैं। लिखना, नाउ लेट x बी एनी पॉइंट, नाउ लेट, घबराओ मत, एक दो बार लिखेंगे फिर कहेंगे प्रोसीडिंग इन द सेम वे। नाउ लेट स्मॉल x बी any point, small x be any point in second sub interval, in second sub interval, closed interval a1 से लेकर के a2 तक, ठीक, then by equation one, फिर वही equation number one आपका सहारा है, then by equation one कितना लिखोगे बताओ? मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए वन, यही तो पिछली बार भी किए थे, स्टार्टिंग पॉइंट वाला याद आ रहा है ना, एक्स वन मैंने क्या माना जनरल पॉइंट एक्स, और एक्स टू मैंने क्या माना जहां से इंटरवल की शुरुआत होती है, दैट इज ए वन। तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए वन लेस देन कितना हो गया? एप्सिलॉन हो गया। नोट कर, किसके लिए होगा? फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग टू द क्लोज्ड इंटरवल ए1 से लेकर के ए2 तक। आओ फिर मॉड एफ ऑफ एक्स निकालते हैं, फिर वही काम, देयरफॉर इसलिए मॉड एफ ऑफ एक्स बराबर कितना होगा? मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए1 और प्लस एफ ऑफ कितना? ए1। आया ना? क्या इस बार हम सीधे लेस देन आर इक्वल टू लिख दें? अलग अलग नहीं बांट रहे, सीधे दिस इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए वन, ठीक, और प्लस मॉड एफ ऑफ कितना हो गया? ए वन, मॉड एफ ऑफ ए वन। लेकिन तुम अब एक चीज को पहले पूरा ये लिख लो तब हम आए। बोले बोले ये बताओ ये किससे छोटा है? एप्सिलॉन से छोटा है, तो हम कह रहे हैं कंफर्मली लेस देन एप्सिलॉन प्लस। तुमको पता है ये किसी से छोटा है? अभी भी निकालेंगे ये किससे छोटा है। इक्वेशन नंबर टू की तरफ निगाह डालो, एप्सिलॉन प्लस मॉड एफ ऑफ ए, आया ना? और यहां हम लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन टू, आया ना? तो ये बताओ अपने को मिला क्या? दिस इंप्लाइज दैट मॉड एफ ऑफ एक्स
इज लेस देन किससे एफ, अगर तुम ध्यान दो तो ये है टू एप्सिलॉन प्लस मॉड एफ ऑफ सही है गलत, और ये बात किसके लिए होल्ड हो रही है, फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग टू द क्लोज्ड इंटरवल a1 at क्लोज्ड इंटरवल a1, क्या दूसरे में भी उसको बाउंड मार दिया, सेकंड में भी बाउंड है, और मैंने किसी नई क्वांटिटी का सहारा नहीं लिखा, जिस सहारे पहले को बाउंड किए थे उसी के सहारे दूसरे को बाउंड किए, पहले को किसके सहारे बाउंड किए थे एप्सिलॉन के और मॉड एफ ऑफ a के, दूसरे के भी घर को एप्सिलॉन के और मॉड एफ ऑफ a के, ये बदल नहीं लेगा। अब अपने को पता है तीसरे में जाओगे तो क्या होने वाला है, थर्ड में बोलो 3 एप्सिलॉन प्लस मॉड, क्लियर हुआ, तो nवें में जाओगे तो n एप्सिलॉन प्लस मॉड एफ ऑफ a को बाउंड बना रहेगा। अब आगे वही सीधे लिखेंगे प्रोसीडिंग इन दिस वे वाले सेंस में, वो इन पर्टिकुलर वाली लाइन को लिखेंगे ना, जैसे हम पहली बार कहते इन पर्टिकुलर x इज इक्वल टू a1 किए थे अगले की तैयारी, तो हम तीसरे की तैयारी करेंगे लेकिन फिर हम लिख देंगे प्रोसीडिंग इन दिस वे। सोचो मैंने क्या किया, जब हम पहले में उसको कह दिए सबसे पहले वाले इंटरवल में, मैंने कहा मॉड एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू सॉरी इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस मॉड एफ ऑफ, मैंने ये कहा। अगले इंटरवल की तैयारी के लिए हमने क्या कहा था, ये अपना था मॉड एफ ऑफ एक्स, अगले इंटरवल की तैयारी के लिए हमने क्या कहा था, अगले इंटरवल की तैयारी के लिए, चूंकि अगला इंटरवल वहीं से शुरू होता है जहां पहला इंटरवल खत्म होता है, हाँ या ना, तो a1 पर ही खत्म था और अगला a1 से शुरू था, तो हमने कहा लॉ पर्टिकुलर में x बराबर कितना रख दें a1, क्यों, क्योंकि a1 पहले दूसरे दोनों इंटरवल में है तो पहले इंटरवल की ये इनइक्वालिटी के लिए भी ये काम कर जाएगा, हाँ या ना, तो मैंने यहां से निकाल लिया मॉड एफ ऑफ a1 इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस मॉड एफ ऑफ, ये मैंने निकाल लिया। अभी हम कहां एंड किए हैं, सेकंड वाले के लिए एंड किए, अब थर्ड में जाना है, सेकंड कहां खत्म होता है a2 पर, और थर्ड कहां से शुरू होता है a2 से, तो हम फिर वही बात लिखेंगे इन पर्टिकुलर x बराबर a2 के लिए ये बात होल्ड होगी, हाँ या ना, तो आप क्या लिखोगे mod of f of a2 is less than 2 epsilon plus mod f of कितना, लिख सकते हैं, और फिर हम अगला काम बढ़ा देंगे थर्ड इंटरवल के लिए, फिर थर्ड इंटरवल कहां खत्म होता है a3, फिर हम लिखेंगे इन पर्टिकुलर फॉर x is equal to a3, ऐसा ही फिर बात, ये प्रोसेस लगातार चलता चला जाएगा। तो हम लोग ना सेकंड इंटरवल की जो सेकंड थर्ड में जा रहे हैं, थर्ड के लिए जो शुरुआत कर रहे हैं वो लिख करके लिख देंगे प्रोसीडिंग इन दिस वे, चलेगा कि लिखना इन पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखो इन पर्टिकुलर व्हेन x इज इक्वल टू a2, इन पर्टिकुलर व्हेन x is equal to a2, b get इसी का यूज करो, बताओ क्या मिलेगा, mod f of a2 is less than 2 epsilon plus mod f of a, proceeding similarly प्रोसीडिंग सिमिलरली बी गेट, अगर हम इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाए, पहले इंटरवल दूसरे इंटरवल तीसरे इंटरवल चौथे में, और हम चले जाए सबसे लास्ट nवां इंटरवल जो मेरा बना था, अगर याद हो तो an माइनस वन से an और an मेरा b हुआ करता था, हाँ यार, लिखना प्रोसीडिंग इन दिस वे बी गेट मॉड एफ ऑफ एक्स इज लेस देन कितना n एप्सिलॉन प्लस मॉड एफ ऑफ कितना a, फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग टू द क्लोज्ड इंटरवल a n माइनस वन से लेकर के a n, लेकिन एक्चुअल में a n कौन था, मेरे को ये पता चल रहा है ना, ये जो इनइक्वालिटी चल रही है ये इनइक्वालिटी मेरे द्वारा बनाए गए हर एक सब इंटरवल में होल्ड कर रही है, तो इसका मतलब क्लोज इंटरवल में भी तो चाहे जितना सब इंटरवल बना डालें सब पर ये होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, और जब ये सब पर होल्ड करेगा तो इसका मतलब ये पूरे के पूरे उनके यूनियन यानी क्लोज इंटरवल ए बी पर भी क्या करेगा, होल्ड करेगा, बस आखिरी लाइन ये लिख के थ्योरम खत्म कर, ये इतना नोट कर लो, तो आखिरी लाइन बोलते हैं सबका हो गया, लिखना दिस इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड, दिस इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड, दिस इनइक्वालिटी is satisfied
दिस इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड ओवर द होल इंटरवल ए बी. दिस इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड ओवर द होल इंटरवल ए बी. सो एफ इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी. This inequality is satisfied over the whole interval AB by closed interval AB. Hence, F is bounded on closed interval AB. Hence, F is bounded on closed interval AB. बस इसी पर रुक जाओ. 3 मिनट एक्स्ट्रा लगा दूँगा.